जीतने वालों को मेरा सलाम। मैं शरद अग्रवाल बेटा। आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड की केस स्टडीज। चैप्टर नंबर थर्ड का नाम है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। टोटल इस चैप्टर में 9 केस स्टडीज है। आउट ऑफ 9 केस स्टडीज, 8 केस स्टडीज हैव बीन फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, चाहे वो वॉल्यूम नंबर 1 हो, चाहे एक्सक्लूसिवली वॉल्यूम नंबर 3 हो ऑफ केस स्टडीज का। एक केस स्टडी आज अपन इस लेक्चर में कवर करेंगे जो आरटीपी मई 2020 में पूछा था, रिलेटेड टू अ टेक्निक नोन एज फायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्टेड था, मतलब उस आरटीपी मई 2020 के आने से पहले जो फायर्स टॉपिक का, उसको उतना ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता था। ऐसा लगता था कि इस टॉपिक से क्या पूछेगा, लेकिन जब आईसीआई ने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करके दिया आरटीपी मई 2020 में, तो ऑल टुगेदर बेटा ट्रस्ट मी, एक नजरिया ही चेंज हो गया, लोगों का परसेप्शन ही चेंज हो गया टुवर्ड फाइव। तो वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी इफ यू आर प्लानिंग टू गिव अटेम्प्ट इन नवंबर 2020 या मई 2021 में। मेरे हिसाब से इस चैप्टर से केस स्टडी बिल्कुल बिल्कुल आपके इन दोनों अटेम्प्ट में अपियर होनी चाहिए, वेदर यू आर गिविंग द अटेम्प्ट इन नवंबर 2020 और मई 2021, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे वॉल्यूम नंबर 1 जो है आपका आईसीआई के स्टडी मटेरियल का, उसमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। जो अभी तक 4 अटेम्प्ट हुए 2018 के, 2019 के, बहुत ही अच्छा खासा वेटेज दिया गया है इन 3 चैप्टर्स को। आई रिपीट, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। उनमें से अगर आप देखेंगे केस स्टडी वाइज, तो चैप्टर नंबर 3 में कंपैरेटिवली नंबर्स और जो लेवल है एप्लीकेशन का वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट करेगा केस स्टडीज में। आज मैं कुछ अलग तरीके से भी प्लान कर रहा हूं। अभी तक अपन ने जितने भी लेक्चर लिया था उसमें प्री डिफाइंड स्लाइड्स थी, आज अपन कुछ नया करते हैं। आज मैं आपको राइटिंग कराऊंगा कि कैसे अपन स्ट्रक्चर इसका डिजाइन करेंगे। तो हाथ के हाथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जब मैं स्ट्रक्चर लिखूं, बी रेडी विथ योर कॉपी, बी रेडी विथ योर स्टडी मटेरियल, तो वो आपको लगेगा यहां पे। तो आप उस स्टडी मटेरियल और अपनी फेयर कॉपी में जो मैं स्ट्रक्चर यहां पे लिखाऊंगा, साथ में डिस्कशन करेंगे आईसीआई के सॉल्यूशन को कि क्या सॉल्यूशन आईसीआई ने रखा है इसका, क्या चीज हमें लगता है कि ये जस्टिफाइड नहीं है, मतलब जो रिक्वायरमेंट पार्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये वाली चीज नहीं भी लिखी जाती तो भी हमारा आंसर चल जाता। प्लस यहां पे कुछ आप एक चीज सीखेंगे जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जब वो केस स्टडीज पूछा गया था तो उसमें कुछ आईसीआई ने एडिशन किया है। अब अपन ये नहीं बोल सकते एग्जामिनेशन में अगर वो पॉइंट आता है कि आईसीआई ने कवर नहीं किया था, तो ऐसे 2 केस स्टडीज आपको मिलेगी आज के लेक्चर में, जहां पर स्टडी मटेरियल में जो कंटेंट दिया गया उससे मच अबाव कंटेंट आपको केस स्टडीज में मिलेगा, जो आपके डेफिनेटली उस टॉपिक के नॉलेज को इंक्रीज करेगा। ठीक है बेटा, होप आप सभी बच्चों की जो भी नवंबर 20 में दे रहे हैं या मई 21 में दे रहे हैं अटेम्प्ट, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। बेटा एक ही सजेशन मैं देना चाहूंगा, हमेशा पॉजिटिव रहिए आप। इट्स वेरी नेचुरल, स्पेशली नवंबर 20 वाले जो स्टूडेंट है, अभी हार्डली मान के चलिए टुडे इज 19th of August 2020, तो लगभग 2 and 2.5 मंथ आपके पास बचा है रफली। तो इस पीरियड में डेफिनेटली टेंशन पैनिक आना बहुत नेचुरल सी बात है, लेकिन हमेशा याद रखिए बेटा, अगर आप अपनी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करना चाहते हैं विद कॉन्सेंट्रेशन, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, चीजें कुछ डिस्टर्ब करती है आपको इस पीरियड में, बहुत बार लगता है कि यार अपन दोनों ग्रुप दे या ना दे, मेरे ख्याल से ऑलरेडी ये मैटर तो ओवर हो चुका होगा एग्जामिनेशन फॉर्म भर के। और कोई भी इशू आपके आते हैं, बस एक ही मैं बोलूंगा यहां पे, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपके पास, बी पॉजिटिव इन योर अप्रोच। निगेटिव चीजें छोड़ दीजिए, आपका अटेम्प्ट है बेटा, आप अगर ये 2.5 मंथ बहुत अच्छे से निकाल लेंगे, जो आपकी कैपेबिलिटी है, और कैपेबिलिटी तो है, सीए फाइनल तक पहुंचे हैं तो कैपेबिलिटी तो है, बस वो कैपेबिलिटी को इन 2.5 मंथ, जो रफली अपने पास 70-75 डेज है, इनमें अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर लेंगे, मुझे कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं लगती कि नवंबर 20 में जो भी आपका टारगेट था, एक ग्रुप या बोथ ग्रुप, वो बहुत सक्सेसफुली आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। ठीक है बेटा, इसी वेल विशेष के साथ मैं अब स्टार्ट करता हूं इस चैप्टर को। 9 केस स्टडीज है जैसे मैंने आपको बताया इस चैप्टर में। टोटल जब आप इस चैप्टर के टॉपिक्स देखेंगे, मेजर टॉपिक, तो टोटल टॉपिक 7 है, लेकिन जो केस स्टडीज पूछा गया है वो 5 टॉपिक में पूछा गया है। कौन से 2 टॉपिक में कोई केस स्टडीज नहीं है? एक तो जस्ट इन टाइम सिस्टम,
जो सबसे लेंथी टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अप्ली न्यूमेरिकल मीन्स अप्लीकेशन क्वेश्चन ज्यादा है वहां पे, कहीं भी केस स्टडीज टाइप का क्वेश्चन नहीं था। तो वो क्वेश्चन मैंने अपने इस लेक्चर में कवर नहीं किया हूं जेआईटी के, बिकॉज दे आर नॉट द केस स्टडी, दे आर द न्यूमेरिकल अप्लीकेशन क्वेश्चन। और दूसरा टॉपिक है आपका प्रोसेस इनोवेशन, जिसके ऊपर एक भी केस स्टडी अभी तक प्लान नहीं की गई है। तो बचे जो आपके पांच टॉपिक, केजन कॉस्टिंग, 5F, 6 सिग्मा, एंड द मोस्ट टेक्निकल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग। इन चार टॉपिक के ऊपर, क्या चार टॉपिक, केजन, 5F, 6 सिग्मा एंड बीपीआर, इनके ऊपर दो दो केस स्टडी अपने पास, और एक केस स्टडी अपने पास टीपीएम से रिलेटेड, टोटल प्रोडक्टिव मेंटर्स। सो लेट स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज केजन कॉस्टिंग। उससे रिलेटेड अपने पास एक केस स्टडी है और एक केस सिनेरियो है। क्वेश्चन नंबर वन, आई थिंक इट्स रिलेटेड टू केस स्टडी, जो 12 to 16 मार्क्स के आसपास पूछा जा सकता है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर टू है अपने इस पीडीएफ में, वो आपको मिलेगा केस सिनेरियो के रूप में, जो मैक्सिमम 8 मार्क्स के आसपास आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लीजिए आप केजन कॉस्टिंग कंसेप्ट का, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं। केजन कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ लीन सिस्टम, जो आपके चैप्टर की हेडिंग है ना, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। लीन सिस्टम के टोटल 5 कंपोनेंट है, उनमें से एक कंपोनेंट है आपका केजन कॉस्टिंग। जैपनीज टर्मोलॉजी है, यह बोलता है कि कॉस्ट रिडक्शन जो टर्मोलॉजी है ना, वो वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सर कंटिन्यूअस का मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब तक आप उस इंडस्ट्री में हो, जब तक आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, तब तक आपको कॉस्ट रिडक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर आप चाहो कोई बहुत बड़ा मैजिक रेडिकल चेंजेस आप ला लो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो टेक्निक है केजन कॉस्टिंग, इसमें कोई आउटसाइड एक्सपर्ट नहीं आता है, कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। रिपीट, कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्पेशली केजन कॉस्टिंग के लिए नहीं लगता है। ये फर्म बिलीवर है कि जब भी आप कोई चीज और बेटर करते हो, आप ये मत मानिए कि दी बेस्ट परफॉर्मेंस आ चुका है। हमेशा कोशिश कीजिए कैसे आप आज के मुकाबले और भी बेटर एंड बेटर क्वालिटी बना सकते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट, विथ लोअर एंड लोअर कॉस्ट। अगर आज के आपको इंटेंसिफाइड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, तो ये मान के चलिए दोस्तों आपको कंटिन्यूअस कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा, और केजन कॉस्टिंग के बिना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है आज की तारीख में कोई भी एक बिजनेसमैन का, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो प्रोफेशनल में सर्विस प्रोवाइडर हो, एनीथिंग। अगर वह इस कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ट्रेडिंग में है, या सर्विस सेक्टर में है, उसे अपने खर्चों को न सिर्फ कंट्रोल करना है, बल्कि कॉस्ट रिडक्शन पर भी ध्यान देना है, और एक कंटिन्यूअस बेसिस पर ध्यान देना है। तो यही कंसेप्ट है केजन कॉस्टिंग का। इसकी अब मैं टेक्निकल डेफिनेशन में आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। जब भी केजन कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा, तो इस डेफिनेशन के बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता है बेटा। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा इस डेफिनेशन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब अपन केस स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन करूंगा कहां पे लिखना है। तो केजन कॉस्टिंग की टेक्निकल डेफिनेशन आपके स्टडी मटेरियल में दिया है। केजन कॉस्टिंग इज अ स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन। पहला है स्मॉल कॉस्ट रिडक्शन, मतलब आप इससे रेडिकल चेंजेस एक्सपेक्ट मत कीजिए। सेकेंड, इंक्रीमेंटल वर्ड इंडिकेट करता है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो केजन कॉस्टिंग इज अ स्मॉल, साथ में बोलिएगा बेटा ना, इज अ स्मॉल आगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड हो सकते हैं यहां पे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और दूसरा है लॉन्ग इंटरवल। आई हैव इंटेंशनली यूज द वर्ड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर इंटरवल का मतलब होता है आज हमने वो टेक्निक लगाया, अब कुछ ईयर्स बाद हम वो टेक्निक वापस लगाएंगे। नो, केजन कॉस्टिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो वापस साथ में बोलेंगे बेटा शुरुआत से, इट्स अ स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव सस्टेनेबल बेनिफिट। अगर आपको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का अगर आप बेनिफिट निकालेंगे, तो दिस टेक्निक विल गिव यू अ सब्सटेंशियल बेनिफिट रिलेटेड टू कॉस्ट रिडक्शन।
तो अब स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। थोड़ा सा बेस मैंने आपको बता चुका हूं, मैंने बार बार आपको हर लेक्चर में पिछले 3 लेक्चर्स में बोला हूं, जब भी ये केस स्टडी मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ऑलरेडी उस कंसेप्ट का केजन कॉस्टिंग हो, 5F हो, एक बेसिक नॉलेज है। मेरा पर्पस यहां पे कंसेप्ट से रिलेटेड कम है, और केस स्टडीज को कैसे डील करना है इसकी के लिए स्पेशली वीडियो डिजाइन हुए। तो बाय चांस बेटा कोई कंसेप्ट आपको नहीं आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले इस लेक्चर के उस केस स्टडीज को मत देखिए, पहले आप वो कंसेप्ट इन डेप्थ पढ़ लीजिए, फिर जब आप इस केस स्टडी को आएंगे तो आप ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे कि यार ये जो चीजें हैं इसको इस प्रकार से ड्राफ्ट करना है। ठीक है बेटा, चलिए जैसा आपने प्रीवियस लेक्चर में लाइक शेयर कमेंट किया था वही उम्मीद करूंगा बेटा मैं इस लेक्चर में भी, कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। आपके जो भी व्यूज है वो आप मुझे बताइए थ्रू कमेंट बॉक्स, लाइक कीजिए, डेफिनेटली यही हमारे लिए एक मोटिवेशन जाता है। तो मैं आपको समय देता हूं बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप पहले पढ़ लीजिए। मैं आपको टोटल 4 मिनट्स देता हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, फिर मैं आपको एक बार अपने तरीके से समझा दूंगा कि क्वेश्चन में क्या चीज है, फिर फाइनली अपन इसको देखेंगे कि इस क्वेश्चन में अपने को लिखना क्या है, कैसे पहचानेंगे कि केजन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है मुझे इस क्वेश्चन में आपके साथ। कुछ केस स्टडीज ऐसी होती है जहां पे उनके कंसेप्ट लिख देता है कि आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, बट दिस द वेरी फर्स्ट केस स्टडी डजंट हैव सच कंफर्ट। यहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा उस 3 आवर्स में, अगर ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आता कि मुझे कौन सा कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करना है। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, लेटर ऑन वी विल डिस्कस डेफिनेटली। सो फर्स्ट आई विल गिव यू 4 मिनट्स ऑफ टाइम, प्लीज रीड द केस स्टडी वेरी केयरफुली, फिर अपन इस केस स्टडी को अब स्टार्ट करेंगे। 4 मिनट्स है बेटा आपके पास।
चलिए बेटा स्टार्ट करो, पढ़ लिया आपने? तो देखिए एक बार मैं अपनी तरफ से इस पूरे क्वेश्चन को समझाता हूं और फिर अपन इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि इस केस स्टडी को अपने को रिक्वायरमेंट पार्ट के अकॉर्डिंगली आंसर कैसे करना है। सो द वेरी फर्स्ट पैरा ये बताता है कि मेरी कंपनी का नाम जैन लिमिटेड है, मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूं, मैं मार्केट लीडर रहा हूं, लेकिन अब पूरे इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम आ रही है कि पूरे इंडस्ट्री में हमारी कॉस्ट पहले के मुकाबले बढ़ रही है। जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग कन्वे किया। सेकेंड पैरा में उन बंदे का व्यू था कि वी आर द लीडर्स इन रेवेन्यू, लेकिन हमें अब कॉस्ट रिडक्शन फ्रंट पे भी लीड करना पड़ेगा। वर्ड इंपॉर्टेंट है कॉस्ट नहीं, कॉस्ट रिडक्शन। और जब भी कॉस्ट रिडक्शन वर्ड आता है दैट इज विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे सीईओ का मानना है कि हम ये इंप्रूवमेंट बिल्कुल कुछ समय जरूर लगेगा, ओवर द टाइम अचीव करेंगे, however minor it might be। फिर जो next para है वो हमें कुछ technical numerical detail देता है कि हमारा profit last year में net profit 10% था जो आज 8% हो चुका है। इसके पीछे दो reason है। पहला, material cost हमारी दिन पर दिन बढ़ रही है, हमारी नहीं पूरे industry में material cost बढ़ रही है। second, warranty जो cost है उसके कारण भी हमारा profit कम हुआ है। last year में हमने 1.5 करोड़ रुपी का वारंटी कॉस्ट इनकर्ड किया है। अब ये जो पूरी प्रोसीजर बता रहा है आपको टोटल 5 पॉइंट्स में, दिस इज रिलेटेड टू वारंटी प्रोसेस। कंपनी के पास आज 200 रिपेयर सेंटर्स है ऑल ओवर द इंडिया। जब भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है फोन में वो इन 200 रिपेयर सेंटर पे जाता है। थर्ड पॉइंट बताता है कि इस रिपेयर सेंटर वाले बंदे उस फोन को एग्जामिन करते हैं और अगर उन्हें लगता है हाँ यार जो कंज्यूमर बोल रहा है सही में ये प्रॉब्लम है तो फोन फिर अपने सेंट्रलाइज्ड टीम, सेंट्रलाइज्ड रिपेयर सेंटर को भेजते हैं, चाहे वो माइनर रिपेयर हो चाहे वो मेजर रिपेयर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपेयरिंग नहीं कर रहे एक प्रकार से, नॉमेनक्लेचर जरूर है रिपेयरिंग सेंटर का, लेकिन वो एग्जामिनेशन करते हैं और पूरा मोबाइल चाहे वो माइनर रिपेयर हो चाहे वो मोबाइल रिपेयर मेजर रिपेयर हो वो जाता है आपका सेंट्रलाइज्ड मुंबई में, वहां पे रिपेयरिंग होता है इसका। फिर नेक्स्ट फोन आपको बताता है, नेक्स्ट पैरा आपको बताता है कि जो हर एक सर्विस सेंटर एक दिन में एक पार्सल बुक नहीं करते हैं, वो 3 से 4 पार्सल एक दिन में मुंबई सेंट्रलाइज रिपेयर सेंटर के पास सेंड करते हैं। फिर जब फोन रिपेयर हो जाता है मुंबई में तो रिस्पेक्टिव सर्विस सेंटर को दे दिया जाता है और ये मुंबई वाला डिपार्टमेंट भी क्या करता है, जो माइनर रिपेयरिंग वाले फोन है उनको अलग सेंड करता है और जो रिप्लेसमेंट वाले फोन है वो अलग वो कोरियर करता है। मतलब दो अलग अलग कोरियर किए जाते हैं, जो माइनर रिपेयर वालों के लिए अलग कोरियर किया जाता है सर्विस सेंटर को, और वही सर्विस सेंटर को अगर रिप्लेसमेंट है तो उसके लिए अलग कोरियर किया जाता है। ये हुआ पूरा क्वेश्चन बेटा। अब आप फाइनेंस मैनेजर हो इस कंपनी में, फाइनेंस डायरेक्टर अप्रोच करता है आपको, वो बोलता है वेदर द माइनर इंप्रूवमेंट हमारे कंपनी का वॉल्यूम देखकर, क्योंकि हम मार्केट लीडर है, क्या माइनर इंप्रूवमेंट हमारे काम का है। फाइनेंस डायरेक्टर हैव आस्क्ड यू टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ वारंटी रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एंड सबमिट अ रिपोर्ट कवरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो 4 पॉइंट में आपको अपना आंसर देना है, फाइनेंस डायरेक्टर को बताना है कि ये क्या होता है माइनर इंप्रूवमेंट, फिर उसके बेनिफिट्स आपको बताना है, फिर जो भी टेक्निक आप रिकमेंड कर रहे हो उसको वारंटी क्लेम प्रोसीजर में अप्लाई करके उसका बेनिफिट बताना है, और इसके अलावा कुछ और मैटर आपको लगता है कि वो रेलिवेंट हो सकते हैं तो वो भी आपको सजेस्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा केस स्टडीज में सबसे पहले शुरुआत में आपको एक फॉर्मेलिटी करना रहेगा, जो भी क्वेश्चन आपने जो भी आपका क्रक्स रहा है 4 से 6 लाइन में मैक्सिमम 4 से 6 लाइन में वो आप क्रक्स लिख देंगे इन द हेडिंग इशू कि भैया इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली क्या कंपनी के पास क्या इशू है, उसके लिए हम क्या अप्लाई करना चाहते हैं टेक्निक, या आप अपने शब्दों में 4 से 6 लाइन में लिख देंगे। ठीक है, तो लिखिए बेटा। मैं चाहूंगा इस लेक्चर से अपन कुछ नया कर रहे हैं, जो प्री डिफाइंड स्लाइड्स होती थी वो मैंने इंटेंशनली यहाँ पे नहीं रखा हूं, एक एक्सपेरिमेंट करके मैं देखना चाहता हूं कि वो प्री डिफाइंडेड स्लाइड स्टूडेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या ये जो अपन राइटिंग में लिखते हैं लिखाता हूं हाथ के स्टूडेंट को ये ज्यादा बेनिफिशियल है। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे जरूर आप कम्युनिकेट कीजिएगा थ्रू कमेंट बॉक्स कि वो प्री डिफाइंडेड है जो स्क्रीन होती है वो ज्यादा बेटर है या जो अपन हाथ के हाथ लिखते हैं समझने के लिए ये ज्यादा बेटर टेक्निक है, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए जो भी आपके सजेशन आएंगे डेफिनेटली वो आगे वाले केस स्टडीज के चैप्टर में मैं उसी को डील करूंगा। तो लिखिए आप स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1,
स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, सबसे पहला पॉइंट बोला मैंने आपको यहां पे इश्यू लिखना है. व्हाट इज द इश्यू इन दिस क्वेश्चन? 4 to 6 लाइन मैक्सिमम. फॉर्मेलिटी है बेटा एक प्रकार से, इससे कुछ भी आपको मार्क्स एडिशन नहीं मिलना है, लेकिन ये कंफर्म है अगर आपने नहीं लिखा और पेपर फेटर थोड़ा भी स्ट्रिक्ट है तो आपके 1 से 2 मार्क्स वो डिडक्ट कर सकता है. नहीं चाहते अपने वो मार्क्स डिडक्ट हो, डेफिनेटली आप कोई भी केस स्टडी की शुरुआत उसके 4 to 6 लाइन जो भी आपने क्रक्स डिफाइन किया है वो अपनी लैंग्वेज में लिख के करें. सेकंड पॉइंट में अपन सबसे पहले पॉइंट का आंसर देना चाहेंगे. अगर आप रिक्वायरमेंट पार्ट में आते हो तो रिक्वायरमेंट पार्ट हमें बोल रहा है व्हाट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेफरिंग टू व्हेन ही सेज माइनर इंप्रूवमेंट. मैंने आपको बोला बेटा इस क्वेश्चन का सबसे स्पेशल पॉइंट है कौन सा कंसेप्ट अप्लीकेबल होगा इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको मेंशन नहीं है. आप दूसरे क्वेश्चन देखेंगे इसी चैप्टर में, दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे लगभग 80% क्वेश्चंस में आपको केस स्टडीज में स्पेशली कंसेप्ट कौन सा लगाना है वो दे देता है, लेकिन जो 20% ऑड केस स्टडीज है ना उसमें कंसेप्ट कौन सा अप्लाई करना है ये आपको रेडीमेड नहीं दिया होता, ये आपको अप्लाई करना है. चाहता तो मैं इसको पॉइंट को बोल सकता था सीधा केजन कॉस्टिंग अप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आएगा बेटा, क्योंकि जिस फेथ से आप ये लेक्चर देख रहे हो कि आपको केस स्टडीज में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आप आराम से केस स्टडी को 3 आवर्स में एग्जामिन कर पाओ, उस फेथ के लिए मेंटेन करने के लिए मुझे सवाल जरूर आपसे पूछना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन में अगर एक क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आता तो आप कैसे पहचानते कि ये क्वेश्चन में हमें केजन कॉस्टिंग अप्लाई करना है. और ये सवाल पूछेगा बेटा, आप जैसे दूसरे क्वेश्चन भी करते हैं ना ये सवाल जरूर पूछेगा अपने आप से. ऐसा नहीं कि वो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं तो हाथ के हाथ बस उसी टॉपिक का क्वेश्चन है, फिर एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आती है. तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं बी वेरी क्रिटिकल कि आप उसमें सवाल पूछिए अपने आप से कि यार क्रिटिक्स बनिए, यार ये कंसेप्ट इसमें क्यों अप्लाई हो रहा है, मैं कैसे मानूंगा एग्जामिनेशन में, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लीकेबल हो रहा है. तो बेटा इसका आंसर है माइनर इंप्रूवमेंट. अगर इंप्रूवमेंट वर्ड बोलता ना, मेरे पास बहुत सारी टेक्निक है, मेरे पास जस्ट इन टाइम है इंप्रूवमेंट के लिए इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में, मेरे पास केजन कॉस्टिंग है, मेरे पास टीपीएम है, प्रोसेस इनोवेशन है, बीपीआर है. इंप्रूवमेंट लाना है अगर आपको प्रोडक्ट में अपने कॉस्ट रिडक्शन करना है तो यू आर हैविंग न्यूमरस टेक्निक, वैल्यू एनालिसिस है, वैल्यू इंजीनियरिंग है, कई सारी टेक्निक है अपने पास. लेकिन इंप्रूवमेंट के पहले जो उसने वर्ड यूज किया है ना माइनर इंप्रूवमेंट, दैट वर्ड इंडिकेट्स दैट दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू केजन कॉस्टिंग. पूरे सिलेबस में, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सिलेबस 12 चैप्टर, पूरे सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन में अगर वो माइनर इंप्रूवमेंट की बात करेगा तो 100% जो कंसेप्ट अप्लीकेबल होगा वो केजन कॉस्टिंग का होगा. ये आपके सिलेबस की लिटरली बहुत अच्छी एक क्या बोलेंगे अपन खूबी है आपके पूरे सिलेबस की. एक कंसेप्ट के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक ही कंसेप्ट आपके पास अवेलेबल है. अगर माइनर इंप्रूवमेंट आपको करना है तो आपको केजन कॉस्टिंग को ही अप्लाई करना पड़ेगा. अगर आपको इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो आपको जीआईटी सिस्टम ही लगाना पड़ेगा. अगर आपको बॉटलनेक कंस्ट्रेंट को रिमूव करना है तो आपको थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट ही लगाना पड़ेगा. ये बहुत अच्छी चीज है कि एक कंसेप्ट जो एक चैप्टर में आया है वैसा ही कंसेप्ट कोई भी दूसरे चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा. तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि यार ये वाली टेक्निकल टर्मोलॉजी यूज हुई है तो 100% हमें यहाँ पे केजन कॉस्टिंग अप्लाई करना है. तो शुरुआत हम करेंगे बेटा, उसने बोला है फाइनेंस डायरेक्टर से पूछ रहा है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने माइनर इंप्रूवमेंट वर्ड दिया है उसका क्या मतलब है. तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें कि सर जो माइनर इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ केजन कॉस्टिंग या केजन कॉस्टिंग. तो सबसे पहला पॉइंट लिखे बेटा, सीईओ इफ रेफरिंग टू केजन कॉस्टिंग, मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर लिखा रहा हूं बेटा ना, लेंथ बिल्कुल आप अपने हिसाब से दीजिएगा. शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने माइनर इंप्रूवमेंट की बात किया है वो केजन कॉस्टिंग. देखिए अब इसको मैं लेंथ दूंगा,
fears referring to Cajun costing in which there will be a minor improvement over a long period of time. Length देना अपने हाथ में, structure आपको याद रहना चाहिए. फिर आप इस टेक्निक के बारे में उसको और बताइए कि ये जैपनीज वर्ड है. प्लस टीपीएस टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम. नेक्स्ट आप बताइए कि केजन जो है एक जैपनीज वर्ड है जिसमें के ए आई, के का मतलब है चेंज, जेड ई एन, जेन का मतलब है बेटरमेंट, चेंज फॉर बेटरमेंट. ये सब नहीं लिखना बेटा, ये आपको स्टडी मटेरियल में जो केस स्टडी वहां पर दिया हुआ है. फिर मैं आपको बता रहा हूं एक स्ट्रक्चर में कैसे आप याद रख पाएंगे. फिर आप बताइए कि इसका ओरिजिनेटर कौन था. इसका ओरिजिनेटर था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम. मिड 20s में इन्होंने ये वाला कांसेप्ट इंप्लीमेंट किया था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने काइजन कॉस्टिंग का. फिर आप यहां पे ये चीज जरूर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, केजन वर्सेस अदर. बहुत सारी दूसरी टेक्निक भी है जो इंप्रूवमेंट लाती है, लेकिन जो बीपीआर है, प्रोसेस इनोवेशन है, वो रेडिकल चेंजेस लाते हैं. वो एक साथ बड़े चेंजेस लाने पर यकीन रखते हैं, जबकि जो केजन कॉस्टिंग है ये माइनर इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन लाता है. तो ये वर्ड, ये स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि माइनर इंप्रूवमेंट हम केजन कॉस्टिंग से डील करते हैं, जबकि जो मेजर इंप्रूवमेंट होते हैं वो हम प्रोसेस इनोवेशन, बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग के द्वारा हम वहां पे डील करते हैं. फिर आप यहां पे इसके कुछ फीचर्स बताएंगे बेटा. सबसे पहला यहां पे लिखे आप, कवर्स ऑल फंक्शन फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. मतलब कोई एक एरिया से रिलेटेड नहीं है कि प्रोडक्शन पे ही लगेगा, परचेस पे लगेगा. कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एक्टिविटी हो जहां पर आपको कंटिन्यूअस कॉस्ट रिडक्शन चाहिए, बिल्कुल केजन कॉस्टिंग वहां पे अप्लीकेबल होगा. कवर्स ऑल एम्प्लॉइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके फीचर्स का कि केजन कॉस्टिंग में कोई बाहर से एक्सपर्ट नहीं आएगा, कोई आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपके अपने वर्कफोर्स आपको डे टू डे खर्चे जो है उसको रिड्यूस करके देंगे. माना उनका जो साइज है वो स्मॉल होगा कॉस्ट रिडक्शन का, बट स्टिल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आप उसको देखेंगे तो दैट विल बी अ बिग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट. फिर आप लिखिए, साइज ऑफ इंक्रीमेंटल चेंजेस. तो बेटा अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे मान के चलिए, तो मेरे हिसाब से, मेरा मानना, आराम से आप 12 टू 15 लाइन में ये जो अपन ने स्ट्रक्चर लिखा है इसको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपने कोचिंग मटेरियल में पढ़ा है वो आप फर्स्ट रिविजन में पढ़े, वही आप सेकेंड रिविजन में पढ़े, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वन डे बिफोर भी पढ़े. तभी जाके अगर एग्जामिनेशन में वो कंसेप्ट आपके एग्जाम पेपर में अपियर होता है तो आप लिख पाएंगे. लेकिन आपने फर्स्ट रिविजन में पढ़ा है, सेकंड रिविजन में पढ़ा है, लेकिन अगर उस क्वेश्चन को, उस केस स्टडी को आप नहीं पढ़ पाए वन डे बिफोर एग्जामिनेशन, तो यकीन मानिए बेटा जो पुराने आपके सीनियर्स का एक्सपीरियंस है वो यह बताते हैं कि सर फिर वो हम एग्जाम में नहीं लिख पाते. अब उसी के लिए ये स्ट्रक्चर वाइज जो स्टडी होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एक बार आपने पूरे क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर बना लिया, जब आप फर्स्ट रिविजन कर रहे हो, सेकेंड रिविजन कर रहे हो, बार बार आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, आपको एक स्ट्रक्चर माइंड में डेवलप हो जाएगा कि यार जब भी केजन कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा हमें इस प्रकार से लिखना है. कभी यही क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हमें इस प्रकार से इसको ड्राफ्ट करना है. तो बहुत इजीली आप वन डे बिफोर एग्जामिनेशन में एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक एक अप्लीकेशन क्वेश्चन, एक एक केस स्टडी और केस सिनेरियो बेटा रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपको एक इनफ कॉन्फिडेंस मिले उस वन डे बिफोर एग्जामिनेशन में, ताकि आप पूरा सिलेबस कवर करके अपना अटेम्प्ट दे पाए. ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए. सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि जो सीओ माइनर इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है वो केजन कॉस्टिंग की बात कर रहा है, फिर जैपनीज टर्मोलॉजी, फिर केजन और अदर को जरूर कंपेयर कीजिए, एंड फाइनली ये तीन चीजें आप लिखेंगे. फिर थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे यहां पर जो उसने हमें बोला है. सेकेंड पॉइंट, फिर What are the benefits of such minor improvement? ये एक डाउट है फाइनेंस डायरेक्टर के मन में कि यार हमारा जो कंपनी का वॉल्यूम है वो इतना वास्ट है, मार्केट लीडर है, माइनर इंप्रूवमेंट से हमें क्या होगा.
तो देखिए सबसे पहले बेटा यहीं से आप निकालेंगे, मैंने बोला ना स्ट्रक्चर जो भी मैं आपको दूंगा वो बहुत सिंपल रहेगा, इन्हीं तीन चीजों से आप बहुत सारे बेनिफिट यहां पर निकाल सकते हो। पहला आप बोला है कवर्स ऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंटिन्यूअस कॉस्ट रिडक्शन, तो यहां पे आप बताइए ये माइनर इंप्रूवमेंट कवर ऑल द टाइप ऑफ वेस्ट, सेवन टाइप ऑफ वेस्ट जो चैप्टर नंबर सेकंड में था कि वेस्ट आर ऑफ सेवन टाइप, वो सभी वेस्ट यहां पे कवर करते हैं। पहला पॉइंट लिख दीजिए आप, रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट का दूसरा नाम होता है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। आप इसके एग्जांपल लिखना चाहे लिख सकते हैं, सेवन टाइप ऑफ वेस्ट जो था उसका निमोनिक्स होता है टिम वुड, ट्रांसपोर्ट, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री डिफेक्ट, कई सारे एग्जांपल है वो आप लिख सकते हैं। फिर यहां पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि एम्प्लॉइज को आपने यहां पे कवर किया है इसलिए जब भी केजन कॉस्टिंग की बात होगी तो यहां पे एम्प्लॉई मोटिवेशन हमेशा आपको मिलेगा, क्योंकि कोई बाहर से एक्सपर्ट नहीं आ रहा है, आपका वर्क फोर्स ही आपको क्या करके दे रहा है, कंटिन्यूअस बेसिस पर कॉस्ट रिडक्शन कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट लिखिए इंप्रूव टीम वर्क, क्योंकि आप सिलेक्टिव एम्प्लॉई को पार्टिसिपेट नहीं करा रहे हो, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉई का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है केजन कॉस्टिंग के लिए, इंप्रूव एम्प्लॉई टीम वर्क। और डेफिनेटली बेटा वेस्ट आपके कम होंगे, कस्टमर को बेटर सर्विस मिलेगी, तो यहां पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा ड्यू टू लेस नंबर ऑफ डिफेक्टिव, तो कभी भी आप लिख सकते हो इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो डेफिनेटली वारंटी, अगर उसको ऑन टाइम हम उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए और दोबारा अगर उसको उस प्रोडक्ट के लिए ना आना पड़े, तो डेफिनेटली एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा ड्यू टू लेस डिफेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। एंड लास्ट, इन तीनों के कारण आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर कॉस्ट रिडक्शन होगा, रेवेन्यू आपका वही है, तो डेफिनेटली ये जो भी कॉस्ट रिडक्शन है इट विल इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी। तो बस इतने से पॉइंट से आप आराम से पूरे क्वेश्चन को, इस फीचर्स को अगर 4 मार्क्स का है, कंफर्टेबली 10 टू 12 लाइंस में आप आराम से इसको ड्राफ्ट कर सकते हो बेटा। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तक तो एक प्रकार से मैं बोलूंगा थ्योरेटिकल था, अब एप्लीकेशन का रियल मैटर आता है। अप्लाई द अबव प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस आपने रिकमेंड किया, केजन कॉस्टिंग, अप्लाई द अबव प्रोसेस टू द वारंटी क्लेम प्रोसेस, जो वारंटी का इश्यू आ रहा है कंपनी को उसमें अब आप हमें केजन कॉस्टिंग अप्लाई करके दीजिए, अलोंग विद एंड एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस कैन बी इंप्रूव्ड, जो हमारी वारंटी प्रोसेस है वो कैसे इंप्रूव होगी, ये दोनों चीज बताना है। तो वापस पढ़िए बेटा एक बार, आप फोर्थ पॉइंट में आपको दो चीजें बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि अभी तक जो दोनों पॉइंट थे ये मोर और लेस थ्योरेटिकल थे, आपका मेमोरी यहां पे टेस्ट हुआ कि आपने कितने अच्छे से उस चीजों को पढ़ा है और आपको याद है। अब चालू होता है यहां पे एप्लीकेशन पार्ट, आपको वारंटी क्लेम प्रोसेस में ये अप्लाई करके देना है कि कैसे केजन कॉस्टिंग अप्लाई होगा, अलोंग विद उसमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए इनके पास कितने रिपेयर सेंटर है, 200 रिपेयर सेंटर है, और ध्यान रखिएगा बेटा अगर इस टाइप का अगर आपका आंसर रहा कि पूरे 200 रिपेयर सेंटर को हम ट्रेनिंग दे देंगे ताकि वो माइनर रिपेयर कर पाए, तो ये माइनर इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ये आपका रेडिकल इंप्रूवमेंट होगा। ऊपर आप लिख रहे हो कि हम यहां पे केजन कॉस्टिंग अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जब आपने केजन कॉस्टिंग को अप्लाई किया तो केजन कॉस्टिंग नहीं रहा, केजन कॉस्टिंग से जो इंप्रूवमेंट आते हैं वो स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन होता है। अगर आपने ये पॉइंट लिख दिया कि जो आपके 200 रिपेयर सेंटर है उन सभी को ट्रेनिंग दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कीजिए ताकि वो माइनर रिपेयर खुद कर पाए, तो ये बहुत बहुत बड़ा रेडिकल चेंज होगा, फिर मुझे नहीं लगता बेटा फिर आपको मार्क्स एलिजिबल हो आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप एप्लीकेशन करते हो वो उस टेक्निक के अकॉर्डिंगली होना चाहिए जो जस्ट आपने ऊपर रेफर किया है। तो सबसे पहला पॉइंट हम बोलेंगे आप ऐसे रिपेयर सेंटर सर्च कीजिए इन 200 में से जहां पर वॉल्यूम लगभग नेग्लिजिबल है, या तो उन रिपेयरिंग सेंटर को आप बंद कर दीजिए, 2, 5, 10 जो भी होंगे बंद कर दीजिए, वॉल्यूम बहुत कम है, या उन रिपेयरिंग सेंटर को अपना बंद करके वहां पे आप फ्रेंचाइजी दे दीजिए
जो ऑलरेडी वहां पे दूसरे टेक्नीशियन हैं जो खुद के अपने रिपेयरिंग सेंटर ऑपरेट करते हैं, उनके साथ आप टाई अप कीजिए और उनको ऑथराइज कर दीजिए कि जब भी वारंटी में कोई भी क्लेम आएगा तो आप इसको डील करेंगे, कंपनी आपको पेमेंट एक फिक्स रेट से रिइंबर्स करेगी। लेकिन वो 200 नंबर्स नहीं हो सकते, वो 5 to 10 होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, मैं लिखाता हूं इसका स्ट्रक्चर बेटा। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि जो हमारे 200 रिपेयरिंग सेंटर है, हम उनमें से कुछ ऐसे रिपेयरिंग सेंटर को सर्च करेंगे जहां पर वॉल्यूम ऑफ कंप्लेन बहुत ही निग्लिजिबल है। या तो हम वो सेंटर ही बंद कर देंगे या वहां पर हम वो सर्विस आउटसोर्स कर देंगे। अगर वहां पे रिपेयरिंग के प्रॉब्लम कम है लेकिन वॉल्यूम अच्छा है तो डेफिनेटली वहां पे आउटसोर्स कर सकते हैं। ये पहला सजेशन। दूसरा सजेशन, ऐसे रिपेयरिंग सेंटर ढूंढिए आप जहां पर माइनर रिपेयर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। वो भी बेटा छोटी सी शुरुआत होगी, 5, 10, 15, 200 से शुरुआत नहीं होगी। कुछ ऐसे सर्विस सेंटर ढूंढिए जहां पर माइनर रिपेयर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उन पर्टिकुलर 5 to 10 सर्विस सेंटर को आप ट्रेनिंग दीजिए माइनर रिपेयर की, आप उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कीजिए ताकि वो माइनर रिपेयर उसी सिटी में कर पाए। अब इंपॉर्टेंट ये था, हमें ये भी बताना है कि प्रोसेस कैसे इंप्रूव होगी। अगर माइनर रिपेयर उसी सिटी का उसी सिटी में हो जाएगा तो कस्टमर के पास वो गुड समय से पहले उसको मिल जाएगा, टर्न अराउंड टाइम जिसको अपन बोलते हैं। दूसरा, आपका ट्रांसपोर्टेशन बचेगा बेटा, तो इससे डेफिनेटली आपकी प्रोसेस इंप्रूव होगी, कॉस्ट रिडक्शन होगा आपका। फिर थर्ड मैटर आप बोलिए जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो मेजर रिपेयर होते हैं या जो दूसरे सेंटर है जहां पर जो भी मोबाइल फोन आएगा रिपेयरिंग के लिए वो सेंट्रलाइज रिपेयरिंग सेंटर मुंबई जाएगा, तो क्यों आप एक दिन में 3 से 4 बार उसको भेजते हैं। एक डेडलाइन डिसाइड कर दीजिए कि 4 बजे तक जो भी मोबाइल फोन हमारे पास आए वो पूरे एक साथ हम कोरियर करेंगे, जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। सिमिलरली जब मोबाइल सेंड बैक होंगे फ्रॉम मुंबई सेंट्रलाइज्ड ऑफिस रिपेयरिंग ऑफिस टू डिफरेंट लोकेशन, तो वहां पे भी हम क्यों माइनर रिपेयर का और रिप्लेसमेंट का अलग अलग दे रहे हैं। अगर वही एक सर्विस सेंटर है तो अगर एक ही कार्टन में हम उसको पैक कर देंगे, एक ही बॉक्स में अगर हम उसको पैक करेंगे तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से होगी। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ केजन कॉस्टिंग। ठीक है बेटा, समझ गए। बहुत बड़े बड़े सजेशन नहीं देना है क्योंकि अगर आपने जहां रेडिकल चेंजेस लाने की कोशिश किया फिर वो केजन कॉस्टिंग कंसेप्ट नहीं होगा, फिर वो पीआई या आपका बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग होगा। तो लिखिए, आपको दो चीजें बताना है बेटा यहां पे, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस और इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस। एप्लीकेशन ऑफ केजन कॉस्टिंग इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट आप लिखे क्लोज डाउन और आउटसोर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यू फबी नहीं। ठीक है बेटा, इसका प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट आएगा, इट विल सेव योर कॉस्ट। सेकेंड आप बोलिए सिलेक्टिव ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कीजिए, इंफ्रा आप प्रोवाइड कीजिए फॉर माइनर रिपेयर। सिलेक्टिव का मतलब है फिर से बेटा वो 200 नहीं, क्योंकि सभी सेंटर को अगर आपने ट्रेनिंग दिया तो दैट विल बी अ रेडिकल इंप्रूवमेंट। हम चाहते हैं माइनर इंप्रूवमेंट, तो ऐसे आप सर्विस सेंटर सर्च करेंगे जहां पर माइनर रिपेयर का वॉल्यूम ज्यादा। ये लिखना होता है बेटा, लेकिन स्ट्रक्चर में बार बार आप इन पॉइंट को सोच के वाला पॉइंट इमेजिन करेंगे तो आराम से एग्जामिनेशन में आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। सबसे पहले आपके यहां पे लॉजिस्टिक कॉस्ट से होगी, लॉजिस्टिक सेव, और सेकेंड टर्न अराउंड टाइम, जितने समय में आप अपने कस्टमर को रिपेयर करके देते थे डेफिनेटली उसका यहां पर समय आपका बचेगा। फिर नेक्स्ट आप लिखिए जो सिंगल बैच में आपको, सिंगल बैच टू मुंबई, और यहां पे भी सिंगल बैच टू सर्विस सेंटर, इन दोनों से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी।
तो देखिए बेटा, लगभग इतना अगर आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे, प्रिंटेड पेजेस के तीन तीन चार चार पेज के प्रिंटेड सॉल्यूशन होते हैं, आप उनको राइट डाउन करने बैठेंगे तो 7 to 8 पेज में जाते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि एक एक पेज की एक एक लाइन आप पढ़ पाए, इसलिए इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको पहले से रेडी रखना पड़ेगा, ताकि आपका माइंड में जब भी कोई नया क्वेश्चन भी आता है तो एक सिक्वेंस आपके मन में रहना चाहिए कि यार केजन कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। रिक्वायरमेंट पार्ट में इंपॉर्टेंट था इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस भी लिखना है। जनरली ये गलती पाई जाएगी बेटा, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 15 सालों का, बच्चा अप्लाई तो कर देगा केजन कॉस्टिंग, लेकिन जो उसका सेकेंड पार्ट था कि आपको ये भी बताना है क्या इंप्रूवमेंट होगा प्रोसेस में, वो भी चीज, तो रिक्वायरमेंट पार्ट बहुत बारीकी से पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखना है कि ये जो ऊपर आपने चारों सजेशन दिया है ये वन टाइम नहीं है। केजन कॉस्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज आपने 4-5 सेंटर को ट्रेनिंग दिया, फिर आप उसको रिव्यू कीजिए, फिर सर्च कीजिए एक और कौन से सेंटर है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगभग आपको ये पूरा रिपेयरिंग सेंटर वाला मामला रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लिखे आप, अबाउ मस्ट बी रिविजिटेड कंटिन्यूअसली, अबाउ मस्ट बी रिविजिटेड कंटिन्यूअसली। चलिए फोर्थ पॉइंट, मतलब यहां अपना फिफ्थ पॉइंट, क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट बोलता है क्या और भी कोई पॉइंट रेलिवेंट है क्या? जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेलिवेंट है, जो अभी आपने सजेशन दिया है इसमें कहीं भी आप डिफेक्ट को होने से नहीं रोक रहे हो, सिर्फ आप खर्चों को कम कर रहे हो। यहां पे आप आउटसोर्स कर दिया तो भी वारंटी क्लेम हो रहा है, आपने ट्रेनिंग दिया तो बस वो मुंबई रिपेयरिंग सेंटर पे ना जाके लोकल सेंटर पे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचा दिया, आपको और भी कुछ कंसिडर करना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म में आपको सर्वाइवल करना है, और वो है आपको प्रिवेंटिव होना पड़ेगा। मतलब आपको वारंटी के रूट कॉज में जाना पड़ेगा, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वारंटी, क्यों इतनी वो प्रॉब्लम आ रही है, उस रूट कॉज को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो फिर इन सब चीजों की आपको जरूरत ही नहीं पड़ना है। तो लिखिए बेटा स्ट्रक्चर में, एनी अदर पॉइंट में, रूट कॉज ऑफ इंक्रीज इन वारंटी क्लेम, रूट कॉज ऑफ इंक्रीज इन वारंटी क्लेम। ठीक है बेटा, चलिए अब आईफे के सजेस्टेड आंसर में मैं आता हूं और मैं बताता हूं आपको क्या क्या जरूरत नहीं थी, जो मुझे लगता है कि उसके बिना भी आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। मैंने पूरा आईफे का ये दिया हूं स्ट्रक्चर, आप अपना स्ट्रक्चर देखेंगे और बेटा आईफे का देखेंगे, बिल्कुल आप मैच कर पाएंगे कहां से क्या पॉइंट है। मेरे हिसाब से यहां पे ये वाला पॉइंट लिखने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। बेटा आपके पास स्टडी मटेरियल है या इसका पीडीएफ का आपने हार्ड कॉपी निकाल लिया होगा, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि कहीं सूट ही नहीं करता है। उसने क्लियर कट बोला है कि हमें अप्लाई करना है, तो यहां पे आईसीआई ने अननेसेसरीली व्हाट आर द टाइप ऑफ वेस्ट जो है वो एक्सप्लेन किया है कि ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट होता है, इन्वेंटरी। आप उसको एक लाइन में लिख के भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पार्ट नहीं है कि आपको 7 type of waste समझाने हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो पार्ट है आपका, इंप्लीमेंटेशन ऑफ केजन एज अ कॉस्ट कैन वी एलिमिनेट वेस्ट, ये अननेसेसरी दिया है, इसको आप नहीं लिखे नहीं पढ़े तो ज्यादा अच्छा है इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लेंथ पे कंट्रोल करना पड़ेगा बेटा। अननेसेसरी चीजें आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आप अपना पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हर क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। बाकी आप देखेंगे तो बाकी बिल्कुल परफेक्ट है, अप्लीकेशन में मुझे कोई कंप्लेन नहीं आई फे, और लास्ट में जो अदर उन्होंने प्रोसेस दिया उसमें भी कोई कंप्लेन नहीं है। मेन जो इशू था बस ये वाला था कि जो उन्होंने वेस्ट के अलग अलग फॉर्म्स बताए टोटली इररिलेवेंट है कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए इस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा बेटा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो अपन ने पैटर्न चेंज किया इस बार, हाथ क्या तमन क्लास में उसका स्ट्रक्चर रख रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो अपन प्री डिसाइडेड आपके स्क्रीन में चलता है वो ना करके अपने इस टाइप का फॉर्मेट यूज किया है, ये ज्यादा बेनिफिशियल है या पहले वाला ज्यादा बेनिफिशियल था, बिल्कुल आपके व्यूज दीजिएगा बेटा इसमें। अब आता हूं मैं सेकेंड केजन कॉस्टिंग के क्वेश्चन में, ये केस सिनेरियो के रूप में क्वेश्चन है बेटा, ये दो चीजें कंपेयर करता है, आपको दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और केजन कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और केजन कॉस्टिंग के ऊपर कंबाइंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दोनों का पर्पस अलग अलग है।
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो कॉस्ट कंट्रोल करता है. आई रिपीट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फोकसेस ऑन कॉस्ट कंट्रोल, जबकि जो केजन कॉस्टिंग है ये कॉस्ट रिडक्शन करता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये मान के चलता है कि जो स्टैंडर्ड सेट हुआ था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वो स्टैटिक है, मतलब फिक्स्ड है, चेंज नहीं होने वाला, जबकि केजन कॉस्टिंग हर वीक, हर फोर्टनाइटली स्टैंडर्ड को चैलेंज करता है कि यार ये गुड्स इतने रुपए में क्यों बन रहा है, और भी कम में बनना चाहिए. तो दोनों में अंतर, पहला वो कॉस्ट कंट्रोल पे ध्यान देता है, केजन कॉस्ट रिडक्शन पे ध्यान देता है. वो यह मान के चलता है कि मेरा जो टारगेट था, स्टैंडर्ड था, वो स्टैटिक है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं होने वाला, जबकि केजन कॉस्टिंग लगातार अपने स्टैंडर्ड को चैलेंज करता है. थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी वेरियांस एडवर्स आता है, केजन कॉस्टिंग, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल मानता है कि तुम्हारे कारण ये वेरियांस एडवर्स आया, जबकि केजन कॉस्टिंग अपने एम्प्लॉय को प्रॉब्लम प्रोवाइडर नहीं मानता है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर मानता है. वो ये मान के चलता है कि यही वो बंदे हैं जो मुझे कंटिन्यूअस बेसिस पर कॉस्ट रिड्यूस करके देंगे. तो नाउ अब फाइनल सवाल, क्या फिर दोनों सिस्टम एक साथ इंप्लीमेंट हो सकते हैं? यस, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को चेंज होना पड़ेगा एफ पर केजन कॉस्टिंग, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी भी अपने पुराने तरीके से चलता रहा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने केजन इंप्लीमेंट कर दिया है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो भी फिर हमें रिपोर्ट देगा, वेरियांस रिपोर्ट, वो मीनिंगलेस होगी. तो दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल इंप्लीमेंट हो सकते, कोई मनाही नहीं है, बट स्टैंडर्ड को कुछ ना कुछ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा केजन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली. उसके ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर टू, आइए देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट टाइम भी आता तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट फिर प्रॉब्लम फेस करता. एक बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके करे हुए रहेंगे, स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, तो एग्जामिनेशन में आता है तो फिर बहुत कंफर्टेबली आप कर पाएंगे इसको. तो फर्स्ट पैरा बोल रहा है, हमारी कंपनी का नाम MIL है, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, हम कई सारे कार बनाते हैं एंट्री लेवल से सेडान तक, हमारा आज की तारीख में मार्केट शेयर 22% है इंडिया में. कंपनी आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करती है अपने बजट को बनाने के लिए. अब ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पैरा. बजट सेमी एनुअली सेट किया जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो बजट कौन बनाता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाता है, और अप्रूवल ले ली जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सेमी एनुअली. फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रिपेयर वेरियांस रिपोर्ट ईच मंथ, हर महीने वो वेरियांस रिपोर्ट बनाता है, लेकिन जो बजट फेट होता है, जो स्टैंडर्ड फेट होता है, वो सेमी एनुअली फेट होता है, जहां पर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट के साथ कंपेयर करते हैं. हमारा CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओपिनियन है कि हमें केजन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करना चाहिए फॉर अवर प्लानिंग एंड कंट्रोल. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब आप रिक्वायरमेंट पार्ट देखेंगे तो देखिए, रिकमेंड की चेंजेस टू कंपनीज प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम. तो सबसे पहले इसी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आज की तारीख में हमारा प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम क्या है टू सपोर्ट द एडॉप्शन ऑफ केजन कॉस्टिंग कंसेप्ट. अगर केजन कॉस्टिंग कंसेप्ट को हमें अडॉप्ट करना है, तो आज के प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम में हमें क्या वाइटल चेंजेस लाने पड़ेंगे? सबसे पहला पॉइंट बेटा, इसी पे आता हूं मैं, प्लानिंग एंड कंट्रोल पे. मैंने, आप मेरे यूट्यूब पे लेक्चर देखिएगा बेटा, मैंने हर लेक्चर पे यही स्ट्रेस किया हूं कि रिक्वायरमेंट पार्ट को आप समय देना स्टार्ट कीजिए, आपको आपके हक के नंबर 100% मिलेंगे. गलती यही होती है बेटा, अपन पूरे क्वेश्चन में मेहनत कर लेते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट पार्ट को जो 2 से 3 बार माइन्यूट रीडिंग लगाना होता है, कहीं ना कहीं वो कमी है. अभी भी अपने पास समय है बेटा, अभी भी आपके रफली 2 months है, इस पर आप फोकस करना स्टार्ट कीजिए. डेफिनेटली जितना आप एक्सपेक्टेशन है ना, उसमें +5 मेरी तरफ से जोड़ लीजिएगा. अगर आप 50-60 सोच रहे हैं, तो आप 65 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जस्ट गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू द रिक्वायरमेंट पार्ट इंटरप्रिटेशन. तो प्लानिंग एंड कंट्रोल, आज हम प्लानिंग कर रहे हैं बजट के साथ, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू बजट बनाते हैं. यह हमारा प्लान है कि हमारा खर्चा इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और हम आज की तारीख पे हमारा फोकस कॉस्ट कंट्रोल पे है, ना कि कॉस्ट रिडक्शन पे है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल.
तो जो आज का प्लानिंग है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू हम प्लान करते हैं अपने बजट को और हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं इन दोनों टेक्निक के द्वारा, उसमें अब क्या वाइटल चेंजेस आपको लाना पड़ेगा अगर आप केजन कॉस्टिंग अडॉप्ट करते हो। तो सबसे पहले अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, सबसे पहले आप शुरुआत के 2-3 लाइन में केजन कॉस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि केजन कॉस्टिंग इज ए स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट विल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। ये 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर अब आप की चेंजेस की बात करेंगे। लिखिए बेटा इसमें, लिखिए सबसे पहले पहला पॉइंट लिखिए, 3-4 lines अबाउट केजन कॉस्टिंग, 3-4 lines अबाउट केजन कॉस्टिंग। सेकेंड पॉइंट लिखे वाइटल चेंजेस, 3 चेंजेस हम रिकमेंड करेंगे कॉस्ट कंट्रोल टू कॉस्ट रिडक्शन सेकेंड चेंजेस हम रिकमेंड करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन सेटिंग स्टैंडर्ड। बस ये 3 पॉइंट को अगर आपने स्ट्रक्चर के रूप में ध्यान रखा बेटा तो आराम से ये क्वेश्चन आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो और इसको फिर एक्सप्लेन करना मुझे नहीं लगता फाइनल लेवल में कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला हम वाइटल चेंजेस बताएंगे, केजन कॉस्टिंग फोकस करता है कॉस्ट रिडक्शन पे, तो अब आपको प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम में कॉस्ट रिडक्शन इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा बिकॉज नाउ योर टारगेट इज नॉट द कंट्रोलिंग ऑफ द कॉस्ट बट योर टारगेट शुड बी हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यहां पे मैं आपको आईएफए से थोड़ा अलग बोलूंगा, आईएफए ने बोला है कि कॉस्ट कंट्रोल से आपको कॉस्ट रिडक्शन में जाना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका प्रॉपर आंसर होता कॉस्ट कंट्रोल के साथ साथ आपको कॉस्ट रिडक्शन पे भी जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो आईएफए का आंसर है वो ये बोलता है कि अब आप कॉस्ट कंट्रोल को भूल जाइए अब आप कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं होता है बेटा, अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो वो अपना फंक्शन करेगा, केजन कॉस्टिंग अपना फंक्शन करेगा, तो द प्रॉपर आंसर शुड बी अलोंग विद द कॉस्ट कंट्रोल यू शुड ऑल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन कॉस्ट रिडक्शन, दिस विल बी द बेटर आंसर, क्योंकि यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हमें बेनिफिट देगा थ्रू कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड केजन कॉस्टिंग भी हमारा प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम अब हम चेंज ला देंगे इस पे कॉस्ट रिडक्शन पे भी वो ध्यान देगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पीरियोडिसिटी ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड। आज होता क्या है बेटिया, देखे इन्होंने बोला है, ध्यान समझिएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, साल में 2 बार ये बजट बनाते हैं, बजट 1 और बजट 2। ठीक है, अगर मैं कैलेंडर ईयर लेके चलूं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, ठीक है, यहां पर ये फर्स्ट बजट के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और इन्होंने बोला है हर मंथ में हम वेरियांस रिपोर्ट निकालते हैं। यहां पे एक वेरियांस रिपोर्ट आएगी, यहां पे एक वेरियांस रिपोर्ट, मंथली वेरियांस रिपोर्ट निकाली जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने मार्च मंथ में वेरियांस रिपोर्ट बनाया है, वेरियांस रिपोर्ट तो आपकी मंथली आ रही है लेकिन मार्च मंथ में जो आपने एक्चुअल डेटा को कंपेयर किया है वो जनवरी के स्टार्ट में जो स्टैंडर्ड बनाया गया था उससे किया है। क्वेश्चन ने बोला हम साल में बजट बनाते हैं सेमी एनुअली, तो हम बजट चालू होने से पहले ही अपना स्टैंडर्ड सेट कर देते होंगे, तो 6 मंथ में फर्स्ट 6 मंथ में हर मंथ हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगे, वेरियांस रिपोर्ट देंगे, हर मंथ का एक्चुअल डेटा लेंगे। प्रॉब्लम यह है उस एक्चुअल डेटा को हम कंपेयर करेंगे जनवरी के स्टार्ट के स्टैंडर्ड के साथ, जबकि जो केजन कॉस्टिंग है वो हर वीक या हर फोर्टनाइटली आपके स्टैंडर्ड तो लगातार चेंज कर रहा है और रिड्यूस कर रहा है। मान के चलिए यहां पे आपने बोला था यूनिट 100 रुपी में बननी चाहिए एट द स्टार्ट ऑफ द जनवरी 1st जैन को,
जबकि केजन कॉस्टिंग अडॉप्ट होने के बाद क्या होगा, हर 15-15 दिन 20 दिन में ये 100 रुपी 98 हो जाएंगे, फिर 98 से 97.2 हो जाएगा, अपने मन से ले रहा हूं, फिर 97.2 से 96 रुपी हो जाएगा, हर फोर्टनाइटली या हर मंथ में स्टैंडर्ड क्या होते जाएगा, रिवाइज होते जाएगा। प्रॉब्लम ये है आपकी कॉस्ट लगातार रिवाइज होते जा रही है हर फोर्टनाइटली, और अगर आप वेरियंस रिपोर्टिंग अभी भी ओरिजिनल स्टैंडर्ड के साथ करोगे तो प्रॉब्लमेटिक रिपोर्ट आएगी, मीनिंगलेस रिपोर्ट आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था स्टैंडर्ड को चेंज होना पड़ेगा केजन कॉस्टिंग के साथ। जब जब केजन कॉस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं बेटा इसके लिए ना, सेकंड पॉइंट के लिए, जब जब केजन कॉस्टिंग ने स्टैंडर्ड को रिवाइज किया है तब तब आपको नया बजट बनाना पड़ेगा, नया स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए उन्होंने 20 जेन को नया कर लिया, तो आप फर्स्ट जेन से 20 जेन का वेरियंस निकालिए, अब 20 जेन के बाद जो भी आप वेरियंस निकालेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द रिवाइज स्टैंडर्ड ऑफ 20 जेन। फिर आपने मान के लिए 21 फरवरी को वापस से कॉस्ट रिडक्शन किया, केजन कॉस्टिंग है, वापस से आप अपना स्टैंडर्ड रिवाइज कीजिए। अब ये नहीं चलेगा कि साल में दो बार आप अपना स्टैंडर्ड सेट करोगे, अब आपका पीरियडिसिटी क्या होगा स्टैंडर्ड सेट करने का, यह डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा कि केजन कॉस्टिंग ने क्या स्टैंडर्ड को रिवाइज किया है क्या। क्लियर है? चलिए फिर थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, क्वेश्चन ने हमें बोला है यहां पर सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट ही अपने मन से बजट बना लेता है, जबकि केजन कॉस्टिंग में सबसे बड़ा आपका कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो आपके एम्प्लॉई का पार्टिसिपेशन है। तो अगर केजन कॉस्टिंग के साथ साथ आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाना चाहते हो, तो जब भी आप स्टैंडर्ड सेट करोगे तो स्टैंडर्ड सेट करते समय आप उन बंदों को जरूर पार्टिसिपेट कराइए जो बाद में उस स्टैंडर्ड को कॉस्ट कंट्रोल के रूप में अचीव करना चाहते हैं, मतलब ऑपरेशनल स्टाफ को भी इन्वॉल्व करना है आपको वाइल डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड। तो ये बहुत सिंपल सा एक केस स्टडी है बेटा, वेरी सिंपल। फिर आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, और मैंने बार बार बोला बेटा स्ट्रक्चर क्या काम आएगा, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर आप रिवाइज कीजिए। कम से कम मेरा मानना है एक सीए फाइनल स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट में 3 रिविजन चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट बेटा, एक रिविजन से काम नहीं चलेगा, 2 रिविजन से काम नहीं चलेंगे, 3 रिविजन चाहिए, तब जाके आप कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर है बार बार मल्टीपल टाइम जब आप रिविजन कर रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर के द्वारा रिविजन कीजिए, बहुत कम समय में आप अपने 3 रिविजन कंप्लीट कर लेंगे, प्लस आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है कि जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो ये पहला टॉपिक आपका खत्म होता है बेटा आज के केस स्टडी का, केजन कॉस्टिंग। अब अपन बढ़ते हैं सेकेंड कंसेप्ट में, 5F। एक कंसेप्ट है, अगेन ये लीन सिस्टम का ही पार्ट है आपका 5F। सबसे पहले थर्ड और फोर्थ के लिए बेटा, जो फोर्थ है ये आरटीपी मई 2020 का क्वेश्चन है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन अवेलेबल था आपके स्टडी मटेरियल में, एंड दैट इज ऑफ YNE चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 4 पूछा आरटीपी मई 2020 में, तो ऑल टुगेदर ये कंसेप्ट पे डिटेलिंग ही चेंज हो गई। मतलब जो इस कंसेप्ट को एवर टीचर भी, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं, हम भी इसको उतना ज्यादा वेटेज नहीं देते थे 5F को। अपने एक रेगुलर बैच में हाफ एन आवर दे दिया 5F को तो मानते थे बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, क्योंकि कंटेंट ही नहीं थे स्टडी मटेरियल में, लगता ही नहीं था कि इतने सिंपल टॉपिक पे भी ICAI एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकता है। बट ICAI हमेशा हमें गलत प्रूव करता है बेटा एवर टीचर। बहुत बार हम ICAI को गेस करते हैं कि यार इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा, हमें भी ICAI सरप्राइज देता है अलॉन्ग विद स्टूडेंट, यार ये टॉपिक को आपने कंसीडर नहीं किया, लीजिए इस पर एक हम केस स्टडी देते हैं। ऐसा ही हुआ था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर, जिसमें आरटीपी मई 20 में 2 क्वेश्चन अवेलेबल थे गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, तो उसके ऊपर है। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बहुत ईजी है, बस शर्त एक है, आपको आइडिया आ चुका हो कि वॉट इफ 5F अगर आपको ध्यान होगा तो डेफिनेटली बहुत ईजी जाएगा। तो बेटा खासकर इस कंसेप्ट पर मैं ज्यादा वेटेज दे रहा हूं 5F पर, क्योंकि मुझे पर्सनल लगता है नवंबर 20 और मई 21 के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 5F, जो एक जैपनीज टर्मोलॉजी है कवर्ड अंडर द हेड लीन सिस्टम। तो हेडिंग दीजिए आप कॉपी में, इसको लिखिएगा बेटा जरूर 5F, क्योंकि ये कंसेप्ट समझने के बाद फिर अगर आप इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे देन इट विल बी वेरी इजी। तो कंसेप्ट पे मैं यहां पे टाइम दे रहा हूं इन प्लेस ऑफ केस स्टडी नंबर 3 और 4, ये कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। एज इट इज कट कॉपी पेस्ट आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 चूंकि केस सिनेरियो है तो वहां पे लेंथ कम रहेगी, मैक्सिमम वो 8-10 मार्क्स का आएगा,
जबकि क्वेश्चन नंबर फोर जो आरटीपी मई 2020 का है, केस स्टडीज है, 12 टू 16 मार्क्स का आएगा, तो लेंथ आपको वहां पे बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट 5F। सबसे पहला जो लीन सिस्टम के टोटल पांच कंपोनेंट्स होते थे उनमें से एक कंपोनेंट है 5F। सबसे पहला इसका मतलब क्या है, मैं चाहूंगा बेटा आप स्ट्रक्चर जरूर लिखिए, बाद में आपको बहुत इजी जाएगा रिवाइज करने में भी और केस स्टडी को डील करने में। सबसे पहले हम मीनिंग बताते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा जो बिल्कुल आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करना ही चाहिए, एंड दैट इज वर्क प्लेस या वर्क एरिया, कुछ भी बोल सकते हो। तो 5F एक साइंटिफिक मेथड है वर्क प्लेस मैनेजमेंट के लिए, टू मैनेज द वर्क प्लेस, ताकि हम एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड सेफली अपना वर्क कर पाए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। क्या बोला मैंने, अ साइंटिफिक वे, साथ में बोलिएगा बेटा, अ साइंटिफिक वे ऑफ वर्क प्लेस मैनेजमेंट। वर्क प्लेस आना चाहिए बेटा, इसके बिना नंबर नहीं देगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्क प्लेस। आप जितने स्टार लगाना चाहते हो इस पर लगा दो, कोई भी हालत में आपसे ये वर्ड मिस नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन में। साइंटिफिक वे ऑफ वर्क प्लेस मैनेजमेंट, सो एज टू अचीव द ऑपरेशन थ्रू एफिशियंट मैथड, इफेक्टिव मैथड एंड विथ सेफ्टी। एफिशियंट और इफेक्टिवनेस में क्या अंतर है, एफिशियंसी डील करता है स्पीड ऑफ वर्क को, एफिशियंसी डील करता है स्पीड ऑफ वर्क को, इफेक्टिवनेस डील करता है क्वालिटी ऑफ वर्क को। न सिर्फ ये वर्क प्लेस मैनेज करेगा ताकि हमारी स्पीड बढ़ पाए, बल्कि क्वालिटी आउटपुट हम दे पाए, एंड विथ टू एम्प्लॉय सेफ्टी के साथ ये पूरे वर्क प्लेस को मैनेज करेगा। तो लिखिए बेटा इसका मीनिंग आप, अ साइंटिफिक मेथड, अ साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्क प्लेस मैनेजमेंट, अ साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्क प्लेस मैनेजमेंट, so that work can be performed, so that work can be performed efficiently, effectively and safely। ये जो मैं करा रहा हूं बेटा, आप इसको as it is cut copy paste, जो आपका केस स्टडी नंबर फोर है, बिल्कुल कट कॉपी, स्ट्रक्चर भी वही है ना। तो मैं आपको हाथ क्या कंसेप्ट भी समझा रहा हूं और इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन नंबर फोर का जो केस स्टडी है उसको भी मैं आपको हाथ क्या यहां पे डील कर रहा हूं। सेकंड है ओरिजिन, जो जेआईटी सिस्टम है ये सब पहले आ चुके हैं, केजन कॉस्टिंग भी पहले आ चुका है, ये कंसेप्ट मिड 20th सेंचुरी का है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने ही डेफिनेटली इस कंसेप्ट को ओरिजिनेट किया था। और एक कंसेप्ट है टीपीएम लीन सिस्टम का, उसके जो 8 पिलर्स है उसका एक फाउंडेशन है। तो लिखिए बेटा यहां पे, ओरिजिनेटेड इन मिड 20th सेंचुरी इन टीपीएस टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है टीपीएस टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, बिल्कुल आप इसका एब्रीवेशन भी लिख सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट है कंटेंट, जो 5F है इसमें जो भी वर्ड्स है ये जैपनीज टर्मोलॉजी है, अगर हम उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो क्या मतलब होगा, मैं एक बार बोल देता हूं फिर मैं आपको लिखाता हूं। इनका सीक्वेंस है बेटा, आप इनको आगे पीछे भी नहीं कर सकते, यही एक रीजन होता है कि जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो अपने को पूरे मार्क्स नहीं मिलते। अगर आपने इसका प्रॉपरली सिक्वेंस नहीं लिखा तो जब आप ये लेक्चर खत्म होगा आप देखिएगा खुद आप बोलेंगे हाँ सर इसको अगर हमने सिक्वेंस में नहीं लिखा तो मीनिंग जरूर चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले है सेट, सेकंड एफ है सेट इन ऑर्डर, पहला है सॉर्ट, सेकंड है सेट इन ऑर्डर, थर्ड है आपका शाइन, फोर्थ है स्टैंडर्डाइज और फिफ्थ है आपका सस्टेन। वापस बोलेंगे आप, सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। 10 मिनट रुकिएगा आपको खुद पता लग जाएगा इनका ऑर्डर आप आगे पीछे नहीं कर सकते, बिल्कुल आपको इसी वे में जाना पड़ेगा तभी जाके आप बिल्कुल परफेक्टली सामने वाले को डिलीवर कर पाएंगे। तो लिखिए बेटा, द 5F रिफर टू 5 जैपनीज वर्ड्स, द 5F रिफर्स टू 5 जैपनीज वर्ड्स, द
The English translation is as follows. The English translation is as follows. सबसे पहला पॉइंट सॉर्ट. अभी अपन एक काम करते हैं, एक एक लाइन में लिखते हैं, और जब ये पांचों पॉइंट अपने खत्म हो जाएंगे फिर मैं आपको डिटेल में ले जाऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सेट इन ऑर्डर. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये कंसेप्ट को मैं बहुत इन डेप्थ बता रहा हूं क्योंकि एज अ टीचर मुझे पता है इस पे मई 2020 की जो आरटीपी उसके पहले बहुत कम ध्यान देता था स्टूडेंट भी और टीचर भी, तो कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे ख्याल से उस टाइम पीरियड के पहले ही बैच किया है, तो आपके लिए बहुत एक न्यू लर्निंग है फाइव की, इसलिए मैं कंपेरेटिवली इस पे ज्यादा वेटेज दे रहा हूं. जबकि केजन कॉस्टिंग सभी बच्चों ने बहुत इनडेप्थ पढ़ा है, टीपीएम बहुत इनडेप्थ पढ़ा हुआ है, लेकिन 5F जो कंसेप्ट था चूंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था एक स्टूडेंट कम्युनिटी और टीचर कम्युनिटी में, तो कम वेटेज दिया जाता था. जबकि अब आईसीआई ने इसका वेटेज बढ़ाया, तो डेफिनेटली अपने को भी इसको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, पहले अपन एक एक दो दो लाइन का इसका पूरा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं 5F का, और फिर अपन इसको डिटेलिंग ले जाएंगे. तो लिखिए बेटा शॉर्ट में, टू सेपरेट नीडेड एन अननीडेड मटेरियल, टू सेपरेट नीडेड एन अननीडेड मटेरियल एंड टू रिमूव द लेटर, टू सेग्रीगेट सेपरेट नीडेड एंड अननीडेड मटेरियल एंड टू रिमूव द लेटर. नेक्स्ट एफ है सेट इन ऑर्डर, इसमें लिखिए बेटा सेट इन ऑर्डर में, टू अरेंज मटेरियल एंड इक्विपमेंट सो दैट दे आर इजी टू फाइंड आउट एंड यूज. टू अरेंज मटेरियल एंड इक्विपमेंट सो दैट दे आर इजी टू फाइंड आउट एंड यूज. थर्ड इज शाइन, टू कीप द वर्क एरिया नीट एंड क्लीन, टू कीप द एरिया नीट एंड क्लीन. अगर आपके पास बेटा अभी रेड पेन है तो अब जो सेंटेंस लिखा रहा हूं वो रेड पेन से लिखिएगा शाइन में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, या ब्लैक पेन होगा कोई भी कलर चेंज कर दीजिए बफा. इट कवर्स द इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया ऑल्सो, शाइन में लिख रहे अपन, इट कवर्स द इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया ऑल्सो. डी पॉइंट, स्टैंडर्डाइज एसओपी, सभी को फुल फॉर्म पता है बेटा इसका, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपी टू एंश्योर फर्स्ट थ्री एस, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स टू एंश्योर फर्स्ट थ्री एस. इसलिए मैं आपको बता रहा था बेटा इतना इंपॉर्टेंस है इसका लाइन में, जब तक आप सॉर्ट नहीं करेंगे नीडेड अननीडेड आप सेट इन ऑर्डर नहीं कर पाएंगे. जब तक सॉर्टिंग और सेट इन ऑर्डर नहीं होगा आपकी क्लीनलीनेस का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसलिए बिल्कुल लाइन वाइज है. और ये तीनों को आपको एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो इन प्रोसेस लाने के लिए कि भैया जो आपने पेपर में सोचा आप उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट भी कर पा रहे हो, इसके लिए एक टर्मोलॉजी होती है स्टैंडर्डाइज, एंड लास्ट वर्ड इज सस्टेन. अब ये भी सीक्वेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सस्टेन डिपेंडेंट है ऊपर वाले 4F के ऊपर. सस्टेन का मतलब है आपको एक हैबिट बनाना पड़ेगा कि आप रेगुलरली जो फर्स्ट 4F है उसको अपने कल्चर में ला लीजिए, उसको ट्रेनिंग देके कम्युनिकेशन करके आपको एक कल्चर में लाना पड़ेगा, तब जाके 5F आपको फाइनली बेनिफिट करेगा. लिखिए बेटा सस्टेन में, टू फॉर्म अ हैबिट ऑफ ऑलवेज फॉलोइंग, to form a habit of always following first 4F,
to form a habit of always following first four F's through training, communication, etc. जब आप अपना स्टडी मटेरियल देखेंगे तो आपको 5F में सिर्फ ये 5F ही मिलेंगे, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। आरटीपी मई 2020 में बोला गया है कि अब एक एडिशनल फिक्स्ड F भी आ चुका है, दैट इज नोन एज सेफ्टी। ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा एग्जामिनेशन में अगर कभी आता है, क्योंकि आईसीआई ने जो भी इस पे चेंजेस था वो आपको बिफोर योर अटेम्प्ट कम्युनिकेट कर दिया थ्रू आरटीपी। तो अब एक नया F भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। क्वेश्चन जब भी आएगा वो 5F के नाम से आएगा, 6F के नाम से कभी नहीं आएगा। लेकिन आप अपनी तरफ से हमेशा लिखिएगा कि नाउ वन मोर F हैज बीन एडेड एंड दैट F बिलोंग्स टू सेफ्टी। चलिए बेटा अब मैं इसको डिटेल में बताता हूं आपको। सॉर्टिंग हेडिंग दीजिए आप। वापस मैं तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको मैं कंसेप्ट समझा भी रहा हूं और ये मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जो आरटीपी मई 2020 का क्वेश्चन, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में आपको वहां पे आंसर लिखना है। क्या बोला था बेटा अपन ने ऊपर, शॉर्ट में पढ़िए आप, टू सेपरेट नीडेड एंड अननीडेड मटेरियल। बस उसी लाइन को लेकर मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी मैंने स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं ना ये बहुत बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है, मतलब अगर आप इसको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो आप कम मेहनत में पूरा स्ट्रक्चर याद रख पाएंगे। बेटा जो ऊपर मैंने लिखा है अब उसी वर्ड को मैं यूज करूंगा, अननेसेसरी मैं नए वर्ड यूज नहीं करूंगा जिससे आपका लोड और बढ़े। हमने ऊपर लिखा था सॉर्टिंग में टू सेपरेट नीडेड एंड अननीडेड मटेरियल एंड टू रिमूव द लेटर, उसी वर्ड को मैं उठा रहा हूं अब नीडेड मटेरियल को। सॉर्टिंग में मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितने मटेरियल है, मेरे पास जितने इक्विपमेंट है, मैं उसको अब अलग अलग बायफर्केट करूंगा। कुछ ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो नीडेड है विथ सफिशियंट स्टॉक, पहला पॉइंट साथ में बोलते जाइए, नीडेड और जितना स्टॉक है सफिशियंट है। कुछ ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो नीडेड है बट ओवर स्टॉक है, मतलब उतने स्टॉक की जरूरत नहीं है अपने को। तीसरा मटेरियल मिलेगा नीडेड बट नॉट नाउ। वापस बेटा जो मटेरियल आपको जरूरत है उसको हमने तीन पार्ट में बायफर्केट कर दिया, ये मटेरियल जरूरत है और इसकी क्वांटिटी जस्टिफाइड है, इतना रहना चाहिए। दूसरा मटेरियल भी हमें नीडेड है, जरूरत पड़ते रहती है हमें, और लेकिन उसकी क्वांटिटी ओवर स्टॉक है। तीसरा मटेरियल चाहिए लेकिन अभी नहीं लगेगा, एक महीने दो महीने बाद काम आएगा, बट नॉट नाउ। हो गया। अब चौथा पॉइंट, नीडेड जरूरत है लेकिन बट नॉट हियर। बहुत बार यह होता है बेटा, दूसरे डिपार्टमेंट का मटेरियल इक्विपमेंट अपने डिपार्टमेंट में आ जाता है तो अपन उसको रिटर्न नहीं करते, वो अपने ही पड़ा रहता है, सामने वाला ढूंढता रहता है और अपने को पता ही नहीं कि वो अपने है और अपने कुछ काम नहीं आ रहा। तो चौथी कैटेगरी आपको मिलेगी कि जरूरत है बट नॉट हियर, ये दूसरे डिपार्टमेंट का मटेरियल है, इक्विपमेंट है, वहां पे देना पड़ेगा। और पांचवी कैटेगरी मिलेगी, ये अननीडेड रॉ मटेरियल है, आज की तारीख में इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो ऊपर अपन ने लिखा था सॉर्ट, वहां पे हमने लिखा था टू सेपरेट नीडेड एंड अननीडेड। तो जो पांच पॉइंट्स आपको बताया आराम से बेटा इसको 10 लाइंस में आप कन्वर्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में, और यही आईसीआई ने भी किया है। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे फॉर्मेट में, सबसे पहले नीडेड साथ में लिखते जाइएगा बेटा, फिर से नीडेड, नॉट नीडेड। पहले वाले को हम बोल रहे हैं जरूरत है, दूसरे वाले को बोल रहे हैं नीडेड बट ओवर स्टॉक, बट नॉट नाउ। बहुत इजी है बेटा इसको याद रखना ना, मतलब आप इमेजिनेशन से कर सकते हो यार, जो मटेरियल है वो चाहिए, जरूरत है, सफिशिएंट स्टॉक है, ओवर स्टॉक है, अभी नहीं चाहिए, बाद में लगेगा, यहां पे नहीं चाहिए, दूसरी जगह चाहिए इसको, नीडेड बट नॉट हियर and not needed at all। बाइफरकेट कर दिया आपने नीडेड और अननीडेड मटेरियल को। अब यहां पे आप विजुअल सॉर्टिंग का हेल्प ले सकते हो, यू कैन यूज द कलर रेड एंड येलो, कोई जरूरी नहीं रेड और येलो, आप कोई भी कलर लिख सकते हो।
जो नॉट नीडेड मटेरियल है या नीडेड बट नॉट हियर है उनके लिए आप यूज करो रेड, अपने मन से बोल रहा हूं, आप कुछ भी बोल सकते हो। येलो आप यूज कीजिए नीडेड और इननीडेड मटेरियल के लिए, तो रेड एंड येलो टैग आप बना दीजिए। जो भी नीडेड मटेरियल है उस पे जो कलर आपको सूट करता है वाला टैग आप लगा दीजिए, जो नॉट नीडेड या नॉट नीडेड हियर उस पे आप एक अलग कलर का टैग लगा दीजिए। प्लस उस टैग पे एक डेडलाइन जरूर लिखिएगा, जैसा आपने बोला नॉट नाउ, कितने समय के लिए नहीं चाहिए, तो किसी ने बोला 2 मंथ के लिए नहीं चाहिए, तो उस टैग पे लिख दीजिए नॉट नीडेड नाउ, रिक्वायर्ड आफ्टर 2 मंथ, ताकि आप 2 मंथ बाद उसका एक इवेल्यूशन कर पाओ कि यार ये आपने बोला था 2 महीने बाद यूज होगा, ये तो यूज ही नहीं हो रहा है। फिर आपने बोला था यार इतने दिनों में हम इसको यहां से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि एक डेडलाइन आप दे पाएंगे तो बार बार चेक कर पाएंगे कि आपने उसको एग्जीक्यूट किया या नहीं किया, नहीं तो फेग्रीगेशन कर दिया, पता चला 10 दिन वैसे ही रहा, फिर से वो मिक्स हो गया। तो लिखिए आगे, रेड एंड येलो टैग विद टाइम लिमिट फॉर फर्दर एक्शन टू बी टेकन। अब सॉर्टिंग के बेनिफिट क्या क्या है, फिर से वही बात बेटा, मेरा हमेशा एक ही व्यू रहता है, जो पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं उसी पॉइंट से अगर अपन इसके बेनिफिट्स या और भी कुछ चीजें फाइंड आउट करें तो हमेशा अपने को याद रखने में इजी जाएगा। सबसे पहले तीनों पॉइंट से मुझे ये पता लगेगा कहीं मैं ओवर स्टॉकिंग तो नहीं कर रहा हूं कोई मटेरियल की, पहला बेनिफिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवर स्टॉक मटेरियल। फिर मुझे इस पॉइंट से पता लगेगा कि रॉन्ग प्लेस मटेरियल, मतलब जो जहां पे होना चाहिए वो वहां पे नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट नीडेड एट ऑल से मुझे पता चलेगा या तो ये मटेरियल या इक्विपमेंट ऑब्सोलेट हो चुका है या ये डैमेज हो चुका है, दोनों वर्ड में अंतर है बेटा। ऑब्सोलेट का मतलब क्वालिटी कहीं सफर नहीं हुई है, लेकिन इस टाइप का रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट अब हम यूज करते ही नहीं है तो हम उसको बोलेंगे ऑब्सोलेट, आउटडेटेड हो चुका है। डैमेज का मतलब ये रॉ मटेरियल इक्विपमेंट हम यूज करते हैं लेकिन इसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं हमारी सफर्ड हो चुकी है। तो लिखे बेटा बेनिफिट, पहला बेनिफिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवर स्टॉक मटेरियल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवर स्टॉक मटेरियल। नेक्स्ट लिखिए आप, रॉ मटेरियल कैप्ट एट रॉन्ग प्लेस, रॉ मटेरियल कैप्ट एट रॉन्ग प्लेस। थर्ड लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्सोलेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्सोलेट एंड ऑब्लिक और डैमेज रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैमेज एंड ऑब्लिक और ऑब्सोलेट रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट एफ है आपका सेट इन ऑर्डर, इसकी एक पंच लाइन मैं आपको लिखा रहा हूं, ये पंच लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको इसको मगअप करना है, जी हाँ रटना है, रटना है बेटा, कुछ चीजें रटना है तो रटना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसको आपको रटना है और एज इट इज एग्जामिनेशन में आपको इसको रिप्रोड्यूस करना है। ये लाइन है, लिखिए आप रेड पेन से, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है। जितने आपके पास रॉ मटेरियल है, जितने आपके पास इक्विपमेंट है, हर टाइप ऑफ रॉ मटेरियल को हर इक्विपमेंट के लिए एक प्लेस डेजिग्नेट कीजिए, उसको इंडेक्स कीजिए, उसको लेबल कीजिए, उसको अलग अलग कलर से बाइफरकेट कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन देयर मस्ट बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड फिर उस प्लेस के अलावा वो मटेरियल या इक्विपमेंट कहीं और नहीं दिखना चाहिए एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। आपको जरूरत है, आपको किसी से पूछना नहीं है, वो मटेरियल वहां पे मिलेगा, यूज होने के बाद उसको उसी की प्लेस पर रखा जाए। वो कैसे होगा, वो फोर्थ पॉइंट काम आएगा स्टैंडर्डाइज, वो पूरा फॉलो करेगा कि क्या ऊपर वाले 3 F फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। नेक्स्ट लिखिए बेटा,
get everybody to follow rules through indexing, labeling, etc. Get everybody to follow rules through indexing, comma, labeling, etc. अगर आप यहां पे विजुअल फैट इन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं RYGB, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, अलग अलग इंडेक्स का जो आपका कलर है वो आप यूज कर सकते हो ताकि बहुत इजीली लिटरी हो पाए कि रेड मतलब एक क्रिटिकल है, डेली बेसिस पे लगते हैं तो इसको यहीं पे रखना है। जो ब्लू है वो एक्सेस में रहता है, तो अगर वो हमने फाइल ऑफिस की अगर मैं बात करूं, फाइल अगर हमने पीछे भी रख दिया, स्टोर में भी रख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप चाहे तो विजुअल एड की भी हेल्प ले सकते हैं, RYGB, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, कलर कुछ भी चलेगा बेटा। ये इंस्टीट्यूट ने बोला है, कोई लॉ नहीं है कि यही कलर कोड यूज करे। आप बस ये पॉइंट रखिएगा कि आप सॉर्टिंग में और फेट इन ऑर्डर में विजुअलाइज एड का भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। फिर अब इसके बेनिफिट लिखे आप, क्योंकि देखिए हर चीज अपनी जगह पर है तो बेटर फास्ट रिट्रीवल ऑफ रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट होगा, जब आपको चाहिए जब मिलेगा। इसी के साथ अटैच बेनिफिट है आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपको समय पर चीजें मिल रही है तो डेफिनेटली आपका स्पीड ऑफ वर्क बढ़ेगा। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सब चीज अपनी प्लेस में है तो कभी भी कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो वो क्लियरली विजिबल होती है कि यार ये कुछ एबनॉर्मेलिटी हो रही है, मतलब जैसा अपना सिस्टम है वो सिस्टम से कहीं ना कहीं कुछ अलग हो रहा है, तो एबनॉर्मेलिटी बहुत क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। और डेफिनेटली मेट्रोज में बेटा स्पेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिट इन ऑर्डर आपके उसी ऑफिस स्पेस को, उसी फैक्ट्री स्पेस को बहुत बेटर तरीके से मैनेज करके देगा। तो लिखिए क्या क्या बेनिफिट है इसके। पहला बेनिफिट, फास्टर रिट्रीवल ऑफ रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, फास्टर रिट्रीवल ऑफ रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, एबनॉर्मेलिटीज कैन बी क्लियरली विजिबल, abnormalities can be clearly visible, last benefit लिख दीजिए, better space management, अब detailing कम होते जाएगी, institute ने भी यही किया, अपन भी यही करेंगे। पहले दो point को बहुत आईफे ने explain किया detail में, अब जितने तीनों points है बहुत कम point में अपन इसको explain करेंगे। next है shine, इसकी भी एक पंच लाइन है बेटा, इसको भी आप रेड पेन से लिखिए, क्लीनलीनेस इन एंड आउट ऑफ एवरीथिंग। ये दो पंच लाइन है बिल्कुल इस टॉपिक में, 5F में, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और शाइन के साथ अटैच है क्लीनलीनेस इन एंड आउट ऑफ एवरीथिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लीनलीनेस का मतलब जनरली अपन जो झाड़ू पोछा अपन बोल देंगे या डस्टिंग कर लो वो बोल देंगे, वो चीज होती है। उसके अलावा जो ऑथर थे जिन्होंने डिराइव किया, उन्होंने बोला इंस्पेक्शन प्रोसीजर भी यहां पे है। जो भी आपका फैक्ट्री लेआउट है, कहीं उस फैक्ट्री लेआउट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मशीनरी को आप क्लीन कर रहे हो, कोई आपको एबनॉर्मलिटी नजर आ रही है, ये पार्ट्स खराब हो रहा है या ये नट बोल्ट निकल गया है, इसका इंस्पेक्शन भी आपका शाइन प्रोसेस में कवर होगा। नॉट ओनली द क्लीनिंग ऑफ द एरिया, क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट अलोंग विद द इंस्पेक्शन भी यहां पर कवर होगा। तो लिखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इट ऑल्सो कवर्स इंस्पेक्शन ऑफ द फैक्ट्री लेआउट, इंस्पेक्शन ऑफ द फैक्ट्री लेआउट एंड इक्विपमेंट। क्या बेनिफिट होगा इसका, लिखिए इसमें बेनिफिट, मेंटेनेंस विल नाउ बी प्रिवेंटिव, मेंटेनेंस विल नाउ बी प्रिवेंटिव रादर देन करेक्टिव, मेंटेनेंस विल नाउ बी प्रिवेंटिव
rather than corrective. ठीक है, अब आते हैं अपन स्टैंडर्डाइज में. स्टैंडर्डाइज इसका एक ही काम है, ऊपर के जो तीन एस है क्या क्या, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, वो आप एग्जीक्यूट करो. ऐसा ना हो कि आपने ऑन पेपर तो बता दिया सॉर्टिंग करना है, सेट इन ऑर्डर करना है, शाइन करना है, पर वो पेपर में रह गया, वापस अपन बिफोर 5S वाली स्टेज में चले गए. तो स्टैंडर्डाइज का बेसिक पर्पस इट एंश्योर द फर्स्ट थ्री एस आर मेंटेन एंड दस द फैसिलिटी कैन नॉट गो बैक बिफोर द 5S वॉज इंप्लीमेंटेड. इसका बेसिक पर्पस है, इसलिए मैं बोला आप इन टर्मोलॉजीज को आगे पीछे नहीं कर पाएंगे बेटा. ट्राई टू मग अप इन द सिक्वेंस ओनली. लिखिए पहला पॉइंट, It ensures that first three S are executed. फिर second point लिखे, make sure each employee knows his or her responsibilities. Make sure each an employee knows his or her responsibilities. Bracket में लिखेगा daily or weekly sorting, comma, set in order एंड शाइन टास्क. जनरली इंडिया में क्या होता है बेटा, आपके और मेरे घर पे अपन सिर्फ दिवाली में सफाई करते हैं, ऑफिस में भी जनरली होता है जब दिवाली आती है तभी सब फाइल्स निकाली जाती है, रीअरेंज करा जाता है. वो 5S नहीं है, 5S एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. मतलब आपको ये डेली वीकली अपना टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपको वीकली, डेली तो पॉसिबल नहीं बेटा, डेली शाइन पॉसिबल है, डेली सेट इन ऑर्डर पॉसिबल है, लेकिन जो सॉर्टिंग है वो जनरली वीकली या फोर्टनाइटली होगी. भैया जो 15 दिन खत्म हो गए, अब आप अपनी चीजों को वापस देखिए, कौन सा नीडेड है, नीडेड बट नाउ है, नीडेड बट नॉट नाउ है, जो जो है उस चीज को वापस आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखें. ऐसा नहीं कि इंडियन कस्टम में जो साल में एक बार दिवाली के आसपास सफाई होती है, वो हमें नहीं करना है. यहाँ पे हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कब उसे सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और शाइन करना है. नेक्स्ट लिखिए आप, मेक इट इट अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन. एंड लास्ट लिखे बेटा, पीरियडिक इवेल्युएशन. ये बहुत जरूरी है, तो पता चले कि बंदा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो शाइन पे इन्वॉल्व है या नहीं है, पता ही नहीं लगेगा फिर. पीरियडिक इवेल्युएशन. लास्ट है बेटा 15. ये है ऊपर के चारों एफ को मेंटेन करने के लिए. इसकी पंच लाइन आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कीप द स्टाफ मोटिवेटेड एंड ऑन ट्रैक. With everyone's involvement and reward system. जब भी कोई नई चीज आती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. जबकि ये सस्टेन बोलता है नहीं, आपने फेट किया है, फेट इन ऑर्डर किया है, शाइन किया है, इसको आपको सस्टेन करना है, लगातार बेसिस पर रखना है, इसको ट्रैक पे रखना है. ऐसा ना हो कि ये कुछ मंथ की एक्सरसाइज हो जाए, हमें हमेशा इसको डेली रूटीन में रखना है. तो हमें एम्प्लॉयज को लगातार ट्रैक पे रखना पड़ेगा, मोटिवेटेड रखना पड़ेगा. उनको पार्टिसिपेट कराइए, उनको रिवॉर्ड दीजिए कि इस डिपार्टमेंट के इस बंदे ने इस बार ये प्रोसीजर, तो एक एंथुजियाज्म रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में. उनके कल्चर में ये चीज आपको लाना पड़ेगा, सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर और शाइन, क्योंकि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, न कि एक वन टाइम एक्सरसाइज है जो आप ईयरली बेसिस पर प्लान करेंगे. ठीक है बेटा, चलिए तो अब एक काम कीजिए, मैं चाहूंगा 2 मिनट में आपको देता हूं, 3 मिनट में आपको देता हूं. एक बार जितना अपन ने 5F के बारे में पढ़ा, एक बार वापस पढ़ लीजिए,
इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 केस स्टडी पूरा, उसका स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 का जब आप आंसर देखेंगे, बड़ा ही सिंपल है, यही 5F वहां पे आपको अपनी ऑफिस आर्टिकलशिप फर्म में अप्लाई करना है। तो जहां जहां पे आपने रॉ मटेरियल इक्विपमेंट लिखा है वहां पे आप फाइल्स लिखेंगे, पेपर्स लिखेंगे, इस टाइप की चीजें वहां पे लिखेंगे जो जनरली ज्यादा होती है एक ऑफिस में। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं सीधा बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 3 मिनट देता हूं बेटा, इतना अपन ने टाइम इन्वेस्टमेंट किया तो एक बार रिकैप कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप भूल चुके होंगे अभी तक, तो एक बार रिकैप हो जाएगा तो इजीली आप फिर इसको लॉन्ग टर्म तक कैरी कर सकते हैं। 3 मिनट देना चाहूंगा मैं आपको। चलिए बेटा अब स्टार्ट करूं, तो अपने 2 कंसेप्ट अभी तक हो चुके हैं। एक है केजन कॉस्टिंग, वो कंप्लीट हो चुका है अपना, 5F हो चुका है, दोनों के 2-2 केस स्टडीज, दैट इज 4 केस स्टडी हो चुकी है। अब अपन आते हैं टीपीएम वाले पर, जिसपे एक ही केस स्टडी अपने पास, केस स्टडी नंबर 5 पे आई है बेटा। मैं आपको समझा देता हूं, आपको रिक्वेस्ट रहेगी आप अभी लेक्चर पॉज करके पहले पूरी केस स्टडी एक बार पढ़ लीजिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, जब मैं आपको समझाऊं तो आपकी एक बार एक केस स्टडी आपके द्वारा पढ़ी हुई होनी चाहिए, इसलिए लेक्चर पॉज कीजिए, 3 से 4 मिनट में स्टडी पूरी केस स्टडी को रीड आउट कीजिए और फिर लेक्चर रिज्यूम कीजिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बेटा, मैं मान के चल रहा हूं कि अब आपने लेक्चर पॉज कर लिया है, आपने केस स्टडी पढ़ लिया। अब मैं आपको समझाना चालू करता हूं टीपीएम के ऊपर केस स्टडी है, कैसे पता लगेगा, वो भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा अपन ने पहली केस स्टडी में पढ़ा था, कहीं भी केजन कॉस्टिंग नहीं लिखा है, इसी प्रकार से जब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यहां पे भी टीपीएम की केस स्टडी है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। कैसे पता लगेगा मैं आपको इंडिकेशन देता हूं। फर्स्ट पैरा बोल रहा है कि हमारी कंपनी का नाम सुपर रिफाइनरीज है, हमारे पास 3 फैक्ट्रीज है, इतने बैरल हमारी कैपेसिटी और 40% हमारा मार्केट शेयर है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारा जो प्लांट है, जो तीनों प्लांट है, वो 365 डेज ऑपरेट होते हैं
एंड दैट टू 100% कैपेसिटी हम अपनी यूटिलाइज कर पा रहे हैं। फिर से इंपॉर्टेंट लाइन है फर्स्ट पैरा में, आज की तारीख में हमारे पास कोई भी मेंटेनेंस शेड्यूल के लिए स्पेस ही नहीं है। जब भी रिपेयरिंग की जाती है तो एडहॉक बेसिस पर की जाती है, मतलब जब जरूरत हो तब हम रिपेयरिंग करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस, कुछ भी नाम बोल सकते हो, मैंने तीन नाम बोला बेटा, तीनों के मतलब एक ही है, प्लांट मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। जब भी जरूरत होती है एडहॉक बेसिस पर, नीड बेसिस पर हम रिपेयरिंग करा लेते हैं। कंपनी ने ऑलरेडी TQM इंप्लीमेंट किया हुआ है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो चैप्टर नंबर सेकंड का कंसेप्ट है, ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है, जिससे आज क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे पा रहे हैं कस्टमर को। कोई कंप्लेन हमें कस्टमर से नहीं मिलती थी, कोई भी कंप्लेन हमें कस्टमर से नहीं मिलती थी रिगार्डिंग द पुअर क्वालिटी या उनके द्वारा बताया गया स्पेसिफिकेशन हम मेट ना कर पाए। सभी टीम बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि जैसा हम मार्केट लीडर भी है 40% के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट भी दे पा रहे, कोई कंज्यूमर कंप्लेन भी नहीं है, तो दिन बहुत 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 अच्छे चल रहे थे। अचानक कहानी में ट्विस्ट आया, पिछले 3 महीनों से 30% डिस्पैच कस्टमर को डिले हुए। अभी तक प्रॉब्लम नहीं आ रही थी बेटा, लेकिन अब पिछले क्वार्टर से आपको प्रॉब्लम आ रही है, 30% डिस्पैच आपके डिले हो रहे हैं। डिलेड डिस्पैच क्रिएट कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, है ना, डायरेक्टली लिंक है। फिर ऊपर से आपका जो मशीनरी है वो ब्रेकडाउन हो गई फॉर अ वीक। ब्रेकडाउन का मतलब चलते चलते अचानक बंद हो जाना, मतलब एक वीक तक अभी लास्ट वीक में वर्क ही नहीं हो पाया क्योंकि मशीन ही चलते चलते बंद हो गई। इसके अलावा जितने भी यूनिट आप बना रहे थे लास्ट क्वार्टर से, उसमें से 20% रिजेक्ट हो रही थी। अगर मैं सेकेंड चैप्टर की बात करूं तो इंटरनल फेल्यूर हो रहा था, कस्टमर कंप्लेन कर रहे थे कि जो हमने स्पेसिफिकेशन बोला था वो हमें नहीं मिल रहा है, डायरेक्टर वरीड है क्योंकि नंबर ऑफ एक्सीडेंट हमारे यहां बढ़ रहे हैं जिसके कारण हमारा प्रोडक्टिव टाइम भी लॉस हो रहा है और वर्कर भी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ वर्क नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें डर है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो पिछले क्वार्टर से बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। क्या क्या प्रॉब्लम आ गई? पहला, डिले होना स्टार्ट हो गया कंज्यूमर को, 30% डिस्पैच डिले हो रहा है, बहुत बड़ी बात है और आज के कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में तो बहुत ही बड़ी बात है। सेकेंड पॉइंट है, आपकी मशीनरी बंद हो गई, चलते चलते एक वीक तक आपका प्रोडक्शन बंद रहा। फिर आपका 20% रिजेक्ट हो रहे हैं आपके यूनिट्स, इंटरनल फेल्यूअर आ रहा है, कस्टमर कंप्लेन कर रहा है कि जो उन्होंने बोला था वैसा गुड्स उन्हें नहीं मिल रहा है, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, ये पिछले लास्ट क्वार्टर की कहानी है। चेयरमैन ने, अगला पैरा बोलता है, चेयरमैन ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए और ये सिचुएशन को समझने के लिए। प्लांट सुपरवाइजर ने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि सर हमने कभी भी शेड्यूल मेंटेनेंस नहीं किया है। अब ये फर्स्ट पैरा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है, कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करने में काम आएगा, क्यों नहीं करते हम प्लांट मेंटेनेंस। तो इसका जवाब मिला, सर प्लांट बढ़िया चल रहा है, प्लांट इज रनिंग स्मूथली, तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने की, और फिर ऊपर से बहुत पैसा लगता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में और फिर टाइम भी हमारा वेस्ट होता है जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है, इसलिए आज तक हमने कभी भी मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस किया ही नहीं। जिसके कारण बोला है कभी भी हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कभी भी कोऑर्डिनेशन में वर्क ही नहीं करते हैं, और जो मोस्ट क्रिटिकल प्लांट पार्ट्स थे प्लांट के वो सालों तक मेंटेन नहीं हुए है। अब चेयरमैन ने आपको बुलाया है और आपको बोल रहा है हमारे पास TQM है सभी प्लांट में, जैसा मुझे प्रोडक्शन डायरेक्टर ने बताया TQM वर्क कर रहा है। तो अब चेयरमैन आपसे पूछता है अगर तीनों प्लांट में TQM वर्क कर रहा है तो फिर ये ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, व्हाई वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकडाउन। समझ में आया क्वेश्चन? अब आते हैं अपन रिक्वायरमेंट पार्ट में। द चेयरमैन हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर अ नोट हाइलाइटिंग द फॉलोइंग पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे एक फॉर्मेलिटी आपको करना पड़ेगा, आपको अपना आंसर पूरा एक रिपोर्ट के रूप में देना पड़ेगा, नहीं दिया तो मान के चलिए प्रेजेंटेशन के आपके 2 से 3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जब आप इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, तो देखिए आपको ये फॉर्मेट मिलेगा और ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि रिक्वायरमेंट पार्ट में अगर रिपोर्ट बनाने बोला है या नोट बनाने बोला है तो आपको इस प्रकार से उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज करके हमें देना पड़ेगा, कि नीचे पूरा डायरेक्टर को कंक्लूजन भी देना पड़ेगा कि फाइनली जो नोट है
इसमें ना सिर्फ आपने जो कंक्लूड किया है वो कंक्लूजन भी पूरा आपको देना पड़ेगा, जबकि पिछले इसमें कहीं भी आपने ऐसा कंक्लूजन वाली बात नहीं किया। चलिए अतः इसमें अब सबसे पहला पॉइंट, व्हाट कुड बी द लाइकली लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस। इसका आंसर आपको इमेजिन नहीं करना है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्या क्या लॉसेस होते हैं हमें ब्रेकडाउन के कारण। तो देखिए क्या क्या लॉसेस होते हैं, यहां पर पूरा रेडीमेड दिया है। सबसे पहला लॉस डिलेड डिस्पैच, सेकेंड लॉस रिजेक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, थर्ड लॉस स्पेसिफिकेशन नॉट एग्रीड, नेक्स्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंड लास्ट प्रोडक्टिव टाइम। तो पहले रिक्वायरमेंट पार्ट का पूरा आंसर आपको क्वेश्चन ने रेडीमेड दिया हुआ है। चलिए लिखिए बेटा आप इसमें स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, हेडिंग दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखिए सबसे पहला इशू 4 to 6 लाइन मैक्सिमम, आप अपनी भाषा में इसको समअप कर दीजिए। और पहले पॉइंट का स्ट्रक्चर लिखिए बेटा लाइकली लॉसेस, क्या क्या लॉस हो सकते हैं। सबसे पहला लॉस डिले इन डिस्पैच हो रहा है आपका, सेकेंड लिखिए आप रिजेक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्योंकि चीजें क्वेश्चन में दिया है, बारीकी से अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो बहुत इजीली कर पाएंगे। रिजेक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कस्टमर स्पेसिफिकेशन नॉट मेट, फोर्थ है आपका इंक्रीज इन एक्सीडेंट्स, लॉस ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, एक पॉइंट आईसीआई ने एक्स्ट्रा दिया है, मैं उसको अलग कलर पेन से आपको शो कर रहा हूं, और वो है इंक्रीज इन सेटअप कॉस्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन। ये पॉइंट तब इंपॉर्टेंट है बेटा जब मेरी सेटअप कॉस्ट थाउजेंड्स में लगती हो। व्हाट इज सेटअप, एक बैच के कंप्लीट होने पर दूसरी बैच को स्टार्ट करने के लिए जो भी हम नेसेसरी फॉर्मेलिटीज हमें करना पड़ता है मशीनरी में वो कहलाता है सेटअप। तो अगर ये थाउजेंड्स में आपका खर्चा लग रहा है तो डेफिनेटली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन चलते चलते अचानक बंद होगी तो जब वापस उसको वर्किंग कंडीशन में लाएंगे वापस से हमें उसी बैच के लिए दोबारा सेटअप करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारी सेटअप कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये 5 पॉइंट शुरुआत के क्वेश्चन में दिए हुए थे, जबकि 6 पॉइंट आपको एडिशनली आईसीआई ने अपने सजेस्टेड आंसर में दिया था जो मैंने यहां पे लिखा। इस टाइप से नहीं लिखना बेटा, मैं वापस बोल दूं ना, ये स्ट्रक्चर है आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिले इन डिस्पैच, अबाउट 30% ऑफ द डिस्पैच हैज बीन डिलेड टू कस्टमर रिजल्टिंग इन कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। ऐसे पूरा आप लैंग्वेज देंगे तब जाके वो नंबर देगा। ये तो फिर मैं आपको स्ट्रक्चर लिखा रहा हूं क्या क्या आपको लिखना है। सेकेंड पॉइंट, एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस प्रोग्राम कुड एड्रेस द इश्यू बीइंग फेस्ड बाय द कंपनी। वापस पढ़िए इस लाइन को, व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस प्रोग्राम कुड एड्रेस द इश्यू फेस्ड बाय द कंपनी। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी टीपीएम का नाम नहीं लिया है, जैसा केजन कॉस्टिंग का पहला क्वेश्चन था, कहीं भी वहां पे केजन कॉस्टिंग का नाम नहीं लिया। कैसे पहचाना था आपने, माइनर इंप्रूवमेंट के वर्ड के साथ। इसी प्रकार से इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी टीपीएम का नाम नहीं लिखा है, फिर पहचानेंगे कैसे। फिर से वही बात बोलूंगा बेटा, आपके सिलेबस की एक खूबी है, इसका स्पेशल फीचर है कि एक कंसेप्ट जो है उसका रिपीटेशन कभी भी दूसरे चैप्टर में नहीं हुआ है। जब भी प्लांट के मेंटेनेंस की बात होगी, पूरे आपके 12 चैप्टर्स में जब भी प्लांट के मेंटेनेंस की बात होगी, हमेशा और हमेशा सिर्फ एक ही कंसेप्ट अप्लीकेबल होगा। कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, प्लांट के मेंटेनेंस के लिए हमेशा एक ही कंसेप्ट अप्लीकेबल होगा, एंड दैट इज टीपीएम
टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो इस पूरे क्वेश्चन में दिक्कत ही यही है कि हम प्लांट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एडॉक बेसिस पर कर रहे हैं, जिसके कारण ब्रेकडाउन हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। टीपीएम एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ मशीन को मेंटेन नहीं करता बल्कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट भी इसके द्वारा कम होते हैं। एक पिलर है इसके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके द्वारा आप वहां पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी कम कर सकते हो, एम्प्लॉय का मोरल भी बूस्ट होता है इसके थ्रू। तो यहां पर पूरे क्वेश्चन में प्लांट के मेंटेनेंस की बात किया और प्लांट के मेंटेनेंस की बात किया है, पूरे सिलेबस में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है एंड दैट इज टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो सबसे पहले व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस प्रोग्राम, आपको ये बताना पड़ेगा। इस टाइप की दिक्कतों के लिए हम यहाँ पे टीपीएम लगाना चाहेंगे, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, उसके बारे में बोलना है। और फिर उसी को थर्ड पॉइंट में भी आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ सच प्रोग्राम। तो लिखिए बेटा सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए। सबसे पहले अपन एक्सप्लेन करेंगे टेक्नोलॉजी का नाम, टेक्निक का नाम, सेकंड पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कैन यूज टीपीएम फिलोसॉफी, फिर सेकेंड स्ट्रक्चर आपका होगा डेफिनेशन ऑफ टीपीएम। इसमें आप स्टडी मटेरियल वाली ही लैंग्वेज लिख सकते हैं, मेडिकल साइंस ऑफ मेंटेनिंग द मशीन अलोंग विथ इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। सेम डेफिनेशन जो आपको स्टडी मेट में दिया है आप उसको पूरा यहां पे लिखेंगे, क्योंकि आपको ये पहले ये बताया हम टीपीएम अडॉप्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने नहीं बोला था, फिर टीपीएम के हमने डेफिनेशन बताया, फिर अब इसका हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ऑब्जेक्टिव। कंपनी को जो प्रॉब्लम है ना, कंपनी का प्रोडक्शन रुक रहा है स्टॉपेज के कारण, तो हम यहां पे बोलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव है टू कीप द मशीन इन एक्स, मैं लिखाऊंगा बेटा टू कीप द मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन सो दैट वी कैन यूटिलाइज 100% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द मशीन विथ नो अनप्लांड स्टॉपेज। मैंने विथ नो स्टॉपेज नहीं बोला, मैंने बोला विथ नो अनप्लांड स्टॉपेज, मतलब जो चलते चलते अचानक बंद हो जाता है वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप प्रॉपर टीपीएम के द्वारा अपनी मशीन को मेंटेन करेंगे। लिखे बेटा इसका ऑब्जेक्टिव, कीप द इक्विपमेंट इन सच अ वर्किंग कंडीशन such that quality product can be produced, at the maximum capacity with no unplanned stoppage, ये हो गया बेटा सेकेंड पॉइंट, कौन सा मेंटेनेंस प्रोग्राम हमारी प्रॉब्लम को डील करेगा, टीपीएम डील करेगा। अब इसी पॉइंट को अपन एक्सटेंड कर रहे हैं रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर थर्ड में, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ सच प्रोग्राम। जो आपने प्रोग्राम टीपीएम सजेस्ट किया उसके की फीचर्स बताइए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस टीपीएम को, ट्रेडिशनल में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वर्सेस टीपीएम, यहां पे लिख देंगे हम ऑल। सबसे पहला और सबसे मेजर पॉइंट यही है कि जब हम ट्रेडिशनल मेंटेनेंस की बात करते हैं तो वहां पर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, That is the sole responsibility of the maintenance department. मतलब जहां मशीन के मेंटेनेंस की बात होती है तो हमें सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही याद आता है, जबकि टीपीएम में यहां पर मशीन को मेंटेन करने की जवाबदारी सभी की है। सभी का मतलब वो बंदा जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मशीन को मेंटेन करने की, वो बंदा जो मशीन के मेंटेनेंस के लिए डेडिकेटेड है, टेक्निकल बंदा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस की। तो एक बहुत ब्रॉडर सोच है यहां पे, एक मशीन का मेंटेनेंस वर्क की जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की नहीं है जैसा ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में होता था। टीपीएम लीन सिस्टम जो इसका पार्ट है,
ये बोलता है कि जवाबदारी सभी की है, इंक्लूडिंग द मशीन यूजर। सेकंड, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, एंड दैट इज ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ऑटोनोमस मेंटेनेंस, डे टू डे रूटीन के जो भी मेंटेनेंस है, डे टू डे रूटीन के जो भी मेंटेनेंस है, दैट विल बी डन बाय द मशीन ऑपरेटर। जबकि नॉर्मली डे टू डे रूटीन मतलब बेटा नट बोल्ट टाइट करना, ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना, जो छोटे कन्वेयर बेल्ट जो होता है उसको चेंज करना, ये जो डे टू डे रूटीन के मेंटेनेंस है, जिसको अपन बोल सकते हैं नॉन टेक्निकल मेंटेनेंस, दिस विल नॉट बी डन बाय द मेंटेनेंस स्टाफ, दे विल बी फ्री फ्रॉम टेक्निकल वर्क। ये जो मेंटेनेंस है, ये आपका जो मशीन ऑपरेटर है, हम उसी को ट्रेनिंग देते हैं कि वही ये कर पाए। फिर थर्ड पॉइंट, प्लांट मेंटेनेंस। प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। प्लांट मेंटेनेंस मतलब समय से पहले ही अगर हम मशीन को लगातार हर क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली सर्विस देंगे, तो ब्रेकडाउन के चांसेस कंपेरेटिवली जीरो हो जाते हैं। यहां पे लास्ट लिख दीजिए बेटा, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, डैश करके लिखे। ऑब्जेक्टिव इज टू हैव फैक्ट्री फुल ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय। ऑब्जेक्टिव इज टू हैव फैक्ट्री फुल ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय। फिर यहां पे आप एट पिलर्स भी लिख सकते हैं बेटा, डिपेंड करेगा मार्क्स के ऊपर। एट पिलर्स ऑफ टीपीएम, यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द एट पिलर। ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस, फोकस्ड इंप्रूवमेंट, फिर अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, सेफ्टी, हेल्थ, ऐसा, फिर ऑफिस एडमिन। ये टोटल आठ पिलर्स है, वो भी आप लिख सकते हो, डिपेंड करेगा मार्क्स के ऊपर, लेकिन ऊपर वाले चार फीचर्स तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये तीन पॉइंट हो गए अभी तक अपने रिक्वायरमेंट पार्ट के। पहला कि क्या क्या लाइकली लॉसेस है, क्वेश्चन से ही मिल गया था। फिर टीपीएम कैसे पता चला, जब भी प्लांट के मेंटेनेंस की बात होगी, हमेशा आपके पास पूरे एससीएमपी में सिर्फ एक ही टॉपिक है, दैट इज टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। फिर फीचर्स बताएंगे, कंपैरिजन हम यहाँ पे जरूर करेंगे अपने नॉर्मल मेंटेनेंस का और टीपीएम के मेंटेनेंस का। और फिर आप चाहे तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा थर्ड रिक्वायरमेंट पार्ट कितने मार्क्स का है। अगर वो रिक्वायरमेंट पार्ट 4 मार्क्स का है तो मोर देन इनफ हो गया। वही अगर 6 मार्क्स का है तो फिर आप 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम भी यहाँ पे लिख के आ जाएंगे, ताकि एक लेंथ मिले फिर 6 मार्क्स के लिए। अब फोर्थ पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन टीपीएम एंड टीक्यूएम। टीपीएम और टीक्यूएम में फिर अंतर क्या है, पढ़िए आप रिक्वायरमेंट पार्ट। कंपेयर द प्रोग्राम आइडेंटिफाइड अबाउ, मतलब टीपीएम एंड टीक्यूएम को कंपेयर करना है। सबसे पहला तो मैं दोनों में एक सिमिलरिटी आपको बता दूं, दोनों ही प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। यस, टीपीएम भी प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, टीक्यूएम भी प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश, मैं लिखाऊंगा बेटा ना, पहले सुन लीजिए आप, इंप्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों की अप्रोच अलग अलग है उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। बोथ आर हैविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू प्रोवाइड द क्वालिटी आउटपुट, बट द अप्रोच ऑफ बोथ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। टीक्यूएम अवेयरनेस लाता है क्वालिटी का अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, जबकि टीपीएम क्या करता है, इसका मानना है अगर प्लांट प्रॉपरली हम इसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दे, अपने वर्कर को ट्रेन करें, तो ब्रेकडाउन के चांसेस कम होंगे, मशीन की कैपेसिटी आप पूरी यूटिलाइज कर पाओगे, तो दैट विल रिजल्ट इन हायर क्वालिटी ऑफ आउटपुट। दोनों ही क्वालिटी को डील करते हैं, लेकिन दोनों के क्वालिटी अटेन करने के टारगेट अलग अलग है। आप ये भी लिख सकते हो टीक्यूएम सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है, जबकि ये टीपीएम जो है हार्डवेयर ओरिएंटेड है, प्लांट एंड मशीनरी की बात हम यहां पर करते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर होगा बेटा, लिखिए इसका। सबसे पहले हम बता देंगे सिमिलरिटी दोनों में, सिमिलरिटी में लिख दीजिए इंक्रीज इन क्वालिटी, अप्रोच में डिफरेंस है, टीक्यूएम जो है ये अवेयरनेस लाता है क्वालिटी कंसर्न अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। लिखिए
TQM, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. TQM में क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. जबकि TPM फोकस करता है फोकस ऑन इक्विपमेंट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट. फोकस ऑन इक्विपमेंट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट. अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहा हूं मैं आपको यहां पे स्ट्रक्चर में. TQM से हम अपनी मशीन को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं जिसके द्वारा ब्रेकडाउन के चांसेस कम होते हैं. वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है हाउ टू हैंडल द मशीन. तो TQM को सपोर्ट करता है TPM. आई रिपीट, TQM को सपोर्ट करता है TPM. TQM का ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी आउटपुट देना, तो क्वालिटी आउटपुट देने में ये मशीन के एंगल से TPM सपोर्ट करता है TQM को कि आप अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाओ. सिंपल भाषा में TQM बड़ा भाई है, TPM छोटा भाई है. TPM विल हेल्प आउट द TQM टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव. लिखिए बेटा, TPM हेल्प TQM. इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, TPM हेल्प TQM बाय प्रिवेंटिंग ब्रेकडाउन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड ट्रेन्ड वर्कर्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस. तो यहां पे आप लिखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया पॉइंट कंप्लीट. एप्लीकेशन ऑफ TPM विथ TQM इन सुपर रिफाइनरी, जो क्लाइंट है वो. अभी तक क्या हो रहा है, आपने TQM तो इंप्लीमेंट कर दिया तो उससे बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन चूंकि जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे क्वालिटी प्रोडक्ट में, तो TQM अब अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पा रहा है. तो अब अगर आपने TQM जो इन प्लेस है उसके साथ TPM भी लगा दिया, तो जो प्रॉब्लम आ रही है प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, ताकि TQM फिर जो क्वालिटी आउटपुट के नाम से जाना जाता है वो आपको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर पाए. ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट इसका, पार्ट नंबर फिफ्थ. क्या बोल रहा है देखिए, पार्ट नंबर फिफ्थ इसका, व्हाट आर द टाइप ऑफ मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस दैट द कंपनी कैन इंप्लीमेंट. व्हाट आर द टाइप ऑफ मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस. ठीक है, आते हैं इस पे बेटा. What are the type of maintenance practices? इसको मैं दो पार्ट में bifurcate करना चाहूंगा. Current, आज की तारीख में हमारे पास breakdown maintenance है, मतलब कोई plant maintenance नहीं है आज की तारीख में सुपर refineries में. जब भी machinery हमारी breakdown होती है, जब भी repairing की need arise होती है, एडहॉक बेसिस पर हम क्या करते हैं, मशीन का मेंटेनेंस करते ही बता देंगे. अब अगर आपको TPM इंप्लीमेंट करना है तो आपको क्या क्या प्रपोज्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा. सबसे पहला, जस्ट मैंने अभी अभी आपको कम्युनिकेट किया हूं बेटा, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, मतलब जो मशीन ऑपरेटर है वह डेली बेसिस के जो मेंटेनेंस है वो खुद मशीन ऑपरेटर करेगा, उसके लिए वो डेडिकेटेड मेंटेनेंस स्टाफ की हेल्प नहीं लेगा. ये पहला आपको मेंटेनेंस प्रैक्टिस डेवलप करना है. सेकंड, प्लांट मेंटेनेंस. प्लांट को आप शेड्यूल भी बोल सकते हो. प्लांट मेंटेनेंस मतलब जिससे भी आपने वो मशीनरी लिया है वो आपको बताते हैं टेक्निकली कि इतने मंथ बाद आपको मशीनरी को सर्विसिंग देना है. जैसे टू व्हीलर फोर व्हीलर में बेटा आपको पूरी एक किट मिलती है, तो आपको बताती है कि इतने किलोमीटर या मंथ, विच एवर इज अर्लियर, आपको अपनी बाइक में ये फंक्शन को रिपेयर कराना है, उसको सर्विस कराना है. वैसी ही चीज जो भी यहाँ पे करोड़ रुपए की जो मशीनरी होती है, करोड़ इन करोड़ जो होती है उसके भी पूरा स्ट्रक्चर मिलता है,
उसमें बताया जाता है कि मशीन को कब कब आपको मेंटेन करना है, कौन सा स्पेयर पार्ट आपको इस टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पर बदल देना चाहिए। ये दो मेंटेनेंस हो गए, अब दो मेंटेनेंस और, करेक्टिव मेंटेनेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप करेक्टिव मेंटेनेंस की बात करेंगे तो लगभग ये ब्रेकडाउन के समान लग रहा है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेकडाउन एंड करेक्टिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब है मशीन का चलते चलते अचानक बंद हो गई तो हम वापस उसको वर्किंग कंडीशन में ला रहे हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब है, बहुत ध्यान समझिएगा, जब हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कर रहे थे या जब हम प्लांट मेंटेनेंस कर रहे थे, हमारा टारगेट कुछ और था लेकिन उसी प्रोसीजर में हमें पता लगा कि यार यहां पे भी प्रॉब्लम है। हमारा टारगेट नहीं था, हमने शेड्यूल नहीं किया था कि इसको भी मेंटेन करना है, लेकिन उस प्रोसेस में हमें यहां पे दिख गया कि यहां पे भी वो प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को जब हम रेक्टिफाई करते हैं दैट इज नोन एज करेक्टिव मेंटेनेंस। क्लियर हुआ बेटा? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब मशीन का चलते चलते अचानक बंद हो जाना, प्लांट मेंटेनेंस मतलब मान के लो मशीन का पार्ट है एक इंजन का, इंजन को हम सर्विसिंग दे रहे हैं, तो हमारा शेड्यूल मेंटेनेंस था आज का, हमें इंजन को सर्विसिंग करना है, ऑयलिंग करना है। जब इंजन को हम सर्विस कर रहे थे तो हमें पता चला जो इंजन का दूसरा पूरा मशीन का एक दूसरा पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है, तो जब हम उसको अब रेक्टिफाई करते हैं इन दैट प्रोसेस ऑफ प्लांट मेंटेनेंस, जो हमारा टारगेट नहीं था, हम उसके लिए प्लांट मेंटेनेंस नहीं कर रहे थे, लेकिन इन द प्रोसेस हमें जो भी और भी फॉल्ट पता लगते हैं उसको हम बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। मशीन चलते चलते अचानक बंद हो गई वाला एरिया तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें पता लग रहा है एक और एरिया में प्रॉब्लम है, अगर हमने आज नहीं किया तो कल इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो जब उस एरिया को भी हम एट द सेम टाइम करेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। लिखना चाहते हो तो बेटा लिख दीजिए टॉपिक के टॉप मार्जिन में कहीं पे, करेक्टिव मेंटेनेंस। व्हेन एन एडिशनल प्रॉब्लम इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग ब्रेकडाउन और प्लांट मेंटेनेंस, एडिशनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन एन एडिशनल प्रॉब्लम इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग प्लांट और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, मतलब कर कुछ और मेंटेन रहे थे उसी प्रोसेस में कुछ और पता लगा उसको भी हमने मेंटेन कर लिया, दैट इज नोन एज करेक्टिव मेंटेनेंस। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस प्रिवेंशन, बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेंटेनेंस प्रिवेंशन। क्या आप कंसेप्ट है इसका ध्यान दीजिएगा, हम पूरे मेंटेनेंस डेकार्ड को डॉक्यूमेंट करेंगे, जब भी मेंटेनेंस करेंगे पूरे डेटा को हम डॉक्यूमेंट करेंगे। जब भी हम अपने लिए फ्यूचर में मशीनरी परचेस करेंगे ना, ये मेंटेनेंस डेटा को हम कम्युनिकेट करेंगे हमारे सप्लायर ऑफ मशीनरी को, रॉ मटेरियल को नहीं, सप्लायर ऑफ मशीनरी को, और उसको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम हमें आती थी हमारी एग्जिस्टिंग मशीनरी में, अब जो आप हमारे लिए कस्टमाइज मशीनरी दे रहे हो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में मशीनरी आगे की फ्यूचर की यूज की कैसे सिंपल टू यूज एंड मेंटेन कर पाए, उसके लिए जो आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे वो कहलाता है मेंटेनेंस प्रिवेंशन। आज काम नहीं आएगा, जब भी आप कस्टमाइज मशीनरी परचेस करोगे आज का मेंटेनेंस डेटा आपको ये कम्युनिकेट कराएगा आपके सप्लायर ऑफ मशीनरी को कि आज जो प्रॉब्लम आ रही है ये वाली प्रॉब्लम हम नहीं चाहते अब आगे वाली मशीन में, तो आप ऐसी मशीन हमें दीजिएगा हमारे अकॉर्डिंगली जो आप डिफाइन कर रहे हो जिसमें ये वाली प्रॉब्लम ना हो, है ना। फाइनली कंक्लूड कर देंगे बेटा, टीपीएम अगर आप टीक्यूएम के साथ लगाते हो तो डेफिनेटली आपकी ये जो भी प्रॉब्लम है ये पूरी रेक्टिफाई हो जाएगी, ये जीरो ब्रेकडाउन का आपसे वादा करता है टीपीएम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, चलिए तो बस अभी वाले लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं बेटा, फिर इसका सेकंड पार्ट भी आपको मोस्ट प्रोबेबली आज या कल ही मिल जाएगा, आपको विदिन 24 to 48 hours में अपलोड कर दूंगा। इस बीच में वापस से आपको बता दूं बेटा, कमेंट पार्ट में आप मुझे जरूर लिखिएगा, ये जो अपन ने इस क्वेश्चन से नया चालू किया है कि जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको लिखा रहा हूं, ये बेटर है क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें टाइम ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू प्री डिसाइडेड जो आपकी स्क्रीन में रिफ्लेक्ट होता है। आइए आपको बताना है, मेरे से परसेप्शन से कोई मतलब नहीं, आपको क्या बेनिफिट ज्यादा मिलता है, आपने पहले वाले भी केस स्टडी सेशन देखा होगा, ये भी देखा होगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना ही रखते हैं अभी इस पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी 24 to 48 hours में, बचे हुए जो दो पार्ट है इसके सिक्स सिग्मा एंड बीपीआर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टॉपिक बीपीआर, उसके ऊपर जो रिमेनिंग 4 केस स्टडीज है वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।